रिकॉर्ड। हेलो गाय, व्हाट्स अप भाई। मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं आजकल देख रहा हूँ खली को भाई। खली का जो CW वैन शो, उसका पागल हो गया। उसकी सारी सीईओ मैंने हर देख ली चीज का भाई। सीईओ है भाई। खाली खाली के कभी तो वो देखेगा मतलब ऐसे। मैं तो भाई आईजी में फॉलो करता हूँ भाई, मैं तो रैप करता हूँ खाली को, इज माय आइडल। तो भाई मैं देखता हूँ उसको, तो भाई लौंडा जब भी कोई रील डालेगा हमेशा किसी का सर सर पे मारेगा, डुंक डुंक। अबे भाई इतनी क्रिंजी पुअरली पुअरली रील ना चाहिए। एडिटेड, और ऐसे डाल दी बिना कुछ अटेंशन डिटेल करके ऐसे डाल दी, और मेरे यही को कूल अच्छे है। तरह याद है, मेरे को अच्छे तरह याद है, अभी रिसेंटली उसने एक रील डाली थी अभी पता नहीं 2 दिन पहले, जिसमें कुछ बोल रहा था, बेसिकली कुछ बोल रहा था। एंड उस रील में उस बंदे ने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया ब्राउन मुंडे, उसकी आवाज नहीं आ रही, ब्राउन मुंडे बज रहा है और वो लिपसिंग कर रहा है। हाँ भाई, वही बच्ची साथ खेल रहा है अपना CW चैनल पे। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो अबे रहा है। वैसे काफी काफी होलसम है, हाँ काफी होलसम होलसम है तो है। खाली। मतलब हाँ अगर तुम लोग एक अच्छे इंसान की नजर से देखोगे तो काफी होलसम चैनल है भाई, उसका। तालियां तो बजा ले, हॉल ऑफ फेम में आ गया भाई खली अपना। क्या बात कर रहा है भाई, तमीज से भाई। द बेस्ट मोमेंट ऑफ खली वाज रेमिस्टर के सर पे पैराकिट है वो करना, 1 2 3 अंडरटेकर को भाई, अंडरटेकर को कंफर्म करना भाई, बराबर भाई, हर किसी गांड मार रखी उसने, हर किसी खली ने लिटरली भाई। बराबर यार, डिजर्व और करता है बंदा, डिजर्व करता है ऑल ऑफ फेम। चंडीगढ़ में लिटरली ऐसे घूम रहा अपनी एकेडमी खोल के लिटरली। इतना डाउन टू अर्थ बंदा कहाँ मिलेगा इतना सक्सेस के बाद भी। खैर 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 खैर, सुस्वागतम सर। तो उसको मैं हटा देता हूँ, वक्त आ चुका है इस चीज को देखने का तुम्हारे। ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, कोई बात नहीं, मुझे भी ऑकवर्ड लगने ग्रैंड लगा रिवील, ग्रैंड रिवील, यार। ठीक है यार भाई, छूत लग रहा। अच्छा मैं पैदरी लग रहा हूँ क्या, हॉट मैं लग रहा है पैदरी लग भाई। रहा हूँ, मैं पैदरी लग रहा हूँ क्या मैं तेरको बोल चुका हूँ, पेट्री लग रहा है भाई, हॉट लग बारसाफेंस रहा है ब्रो, हॉट लग रहा गाली देना स्टार्ट कर देंगे बारसाफेंस। कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कोई बात नहीं भाई, कटोरा कट है, कोई बात नहीं। सुस्वागतम, स्वागत है एक नए और नवेली फ्रेश पॉडकास्ट में। 10 दिन, पता नहीं कितने दिन हो गए पॉडकास्ट डाला नहीं, काफी टाइम हो गया शिखर। मैंने तुझे बताया हम पॉडकास्ट के लिए रेडी है काफी। मैं बात कर रहा हूँ किसके पापा, किसके पापा सही। हाँ सन के पापा को काफी क्वेश्चन करे यार, ओले के द्वारा या फिर मोरिनियो के द्वारा, काफी डिस्कशन चल रहे हैं आफ्टर यूनाइटेड स्पर्स। कितना कितना अच्छा फादर है ओले, इसके बारे में काफी पता चल रहा है। बिल्कुल सर। और हाँ भाई, बहुत ही चूतिया पॉइंट, पार्ट बहुत ही चूतिया पॉइंट। सॉरी ओले, सॉरी बहुत कुछ मोरिनियो, बहुत ही चूतिया पॉइंट। ऑल्सो विल डिस्कस लंदन स्टेडियम, जो बुलबुले उठते हैं। सोचो इस बुलबुले वाले टनल में से रोनाल्डो मेसी एम्बाप्पे जा रहे हैं, लेकिन मैं हाइप नहीं करूंगा तुमको पता, बट चैंपियंस लीग फुटबॉल भाई, इट वाज अ गेम शिखर। लेस्टर वर्सेस वेस्ट हैम, लेस्टर सेकंड थर्ड है, थर्ड है शायद से यूनाइटेड ऑब्वियसली, ठीक है, एंड वेस्ट हैम फिफ्थ। जंप कर रही है भाई, क्या नाउ हो रहा भाई भाई, नाउ ऑन फोर्थ, नाउ ऑन फोर्थ। स्टेटमेंट विक्ट्री, स्टेटमेंट विक्ट्री। और दे आई डोंट स्टिल थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस, आई विल बी सरप्राइज्ड, बट भाई आज जिस से सीन चल रहा है भाई, मार्केट शूट भाई, मैं एक्ट नहीं कर रहा भाई। ऑल्सो वी डिस्कस कौन सा सीन अपना और कौन सी गेम तकड़ी भाई। अरे यूवेंटस आए तो चलो बोरिंग है, ठीक है, आस्टन वाली बोरिंग है, शेफील्ड जीत के ठीक है, आज लाकाज़ेट ड्रॉप बोरिंग कर रहा थी, हूँ वो सब और चीजें। चेल्सी का 4-1 ही है वैसे, क्लासिको हाँ भी डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, बट ऑल्सो जो मेन, आई थिंक जो मेन टारगेट है इस वीडियो, इस पॉडकास्ट का, इसकी जो आज रात को गेम है, चैंपियन आज रात को होंगी बेसिकली, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जो 30 शॉट थे पता नहीं कितने बायर्न म्यूनिख के, और पीएसजी के भाई क्या गेम थी भाई, वो दानिलो अमोरिम वन है ऑफ जो इदरीसा। द बेस्ट यूसीएल गेम्स आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, ऐसे नहीं, बेस्ट। नहीं आई थिंक द बेस्ट गेम स्टिल आई हैव सीन इज पोर्टो वर्सेस जुवेंटस, हैंड्स डाउन सेकंड लेग, हैंड्स डाउन, यू कांट कंपीट भाई उसमें। तो भाई राबियो के पता नहीं क्या क्या हरकतें हुई थी। वी ऑल्सो डिस्कस भाई केस। हाँ तो हाँ और कौन सी टीम थी अपनी, और कौन सी बड़े अपना, ऑब्वियसली भाई चेल्सी पोर्टो, वो केजी चेल्सी गेम नहीं है, पोर्टो काफी ओपन गेम, चेल्सी एक फक्ड कहीं ना कहीं 4-1 से पैलेस को, हार्वर्ड्स पुलिस भाई। और आखिरी इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इस वीकेंड की, लीड्स वर्सेस मैन सिटी, 10 मैन लीड्स, 10 भाई, तमीज स्टुअर्ट डैलस जगह में पॉप स्टुअर्ट कर रहा है, डैलस दे कुड नॉट डील रोटेशन, स्टिल काफी चीजें बात करने को। एक पानी की प्याली लेने दो, मुझे कुछ चिंता वाली बात नहीं भाई, बाकी। जिंक्स मैं भी अभी वही ले रहा था भाई। भाई हाँ बिल्कुल जिंक्स, और अगर हम देखें शिखर की गुद्दी के पीछे, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बारे में। तो मतलब एक्सप्लेन तो क्या करना यार, हैबिट्स हैबिट्स तो है ही, फाड़ पिछले गेम तो काफी फाड़ खेला है। एंड बिल्कुल माउंट सर, तो यार हमारा अपकमिंग स्टार है भाई, माउंट को तो अगर वैसे हर तुमको बंदा सही प्यार में, करता है। अगर तुमको सेम ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है भाई, यूज्ड टू हो जाओ भाई, क्या हो गया, बुरा थोड़ा है यार, सही तो है यार अच्छा लग रहा है, मैं ऑलरेडी देखो बोल चुका हूँ, बढ़िया लग रहा है भाई ना का। भाई। शिखर भाई क्या बकचोदी है, कहाँ भाई क्लासिको से पहले बातें क्या कर रहे हैं मेरे से, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है भाई। कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि यू कांट प्रेस बार्सा। अबे यार आई थिंक ये गेम प्रेसिंग वाली गेम तो नहीं थी, बट इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ, हाँ आई मतलब कैन से नॉट टू हाफ एग्जैक्ट, बट आई कैन से ठीक है, अगर मैं बिल्कुल लेजी एनालिसिस करूं तो मडेड वन डिजर्विंगली सो प्लीज, ठीक है, नो डिबेट प्लीज, नहीं तेरा तो कुछ नहीं लग रहा है,
क्या क्या भाई, क्या नहीं क्या दिक्कत है? मतलब मडेड वॉन्ट डिजर्विंगली, बट आई डोंट नो मैन, आई स्टिल फील कि मतलब थोड़ा बहुत था ऊंच नीच मैच में. क्या कुछ नहीं भाई, कुछ डिस्कस तो कर, फिर क्या ब्रेथवेट डाइव मार रहा है भाई? मतलब नहीं ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल डाइव नहीं थी. चल ये तो बहुत ही ज्यादा है, ब्रेसफिट की बिल्कुल डाइव नहीं थी, भाई उस बहुत ज्यादा ब्लेटेंट टच. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मतलब यू नो खराब टच था, बहुत पेनल्टी इंड्यूसिंग टच था ऐसा नहीं था, बट एक टच था, हाँ वीएआर बनता था. सेकेंडली डेम्बेले वॉज ट्रिप्ड बाय मेंडी इन द बॉक्स. तुझे पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा है, तूने भी देखा है. भाई वो बीबीसी की बात है, उनमें उनमें समझ गए उसमें तो भाई, वो फ्रेंच में बट ना, हाँ क्यों लड़ाई, स्टिल क्यों लड़ाई करा भाई, उनके बीच में सही तो है। लड़ाई क्या, मतलब ऑब्वियसली पता ट्रिप किया है, सीन ही क्या वाज इन द बॉक्स. या है, पता सीन क्या है, आई अग्री, और मैं तेरा पेन समझ सकता हूँ, मैं क्यूल का पेन समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम रामोस और लॉन्गले वाले जो पिछली गेम थी क्लासिको, उसमें जो शर्ट हर किसी पुल थी, जो पेनल्ट, और वो पेनल्टी थी वो ब्लेटेंट थी बट इतनी भी ब्लेटेंट नहीं थी। मतलब क्या तू अग्री करता, वो ऑब्वियसली. पेनल्टी थी रामोस को जो लॉन्गले ने लाइक शर्ट पकड़ी थी भाई, क्या अगर बात कर। अगर मतलब ठीक है वे, अगर उसको तुम एज अ पेनल्टी कंसिडर करते, देन आई विल कंसिडर टू पेनल्टीज इन आवर मैच, लास्ट मैच. पर ठीक है ऑब्वियसली, मतलब सिंस दोनों टीम बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली टॉप टू टीम्स है स्पेन में, तो आई डोंट एक्सपेक्ट की पेनल्टी या फिर यू नो फ्री गिवन गोल्स के बेसिस पर डिसाइड हो गेम. हाँ सो अच्छा, तू आई सरप्राइज था गेस गेम. कि, तू सरप्राइज था कि, सॉरी कट, सॉरी टू कट यू ऑफ, कट यू ऑफ भाई, मैं कट नहीं करूंगा, सॉरी माँ की चूत भाई मेरी, काफी कोई गुड, बात काफी नहीं। गुड, बट फ्रेंकी काफी गुड. दियोंग तुम्हारा बैकलाइन भी नहीं था, वो मिडफील्ड नंबर 8 खेल रहा था तू, क्या नहीं क्योंकि मैं उसने, सरप्राइज नहीं हाँ था. मतलब आई ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दैट, बिकॉज सिंस मतलब दो तीन गेम से चल रहा है, काफी तुम इंजरी से थोड़े परेशान हो, एंड बेसिकली यू विन गेम्स इन मिडफील्ड. तुम्हारी यस मोस्टली सर, बैटल्स मिडफील्ड में लड़ी जाती है. तो ओके जी, हमारा मतलब जितना मुझे लग रहा था कि अगर कुमार और मैं अगर एक सही इंसान की तरह सोचते हैं, तो हमें काफी टेक्निकल और थोड़ी यू नो क्राउडेड मिडफील्ड रखनी थी, सो दैट वी कैन विन द बैटल देयर. बट आई गेस हाँ कंटिन्यू। हम जहाँ पे बैटल लूज किए वॉज द फिजिकलिटी. ऑब्वियसली काफी यंग प्लेयर है, तो फिजिकलिटी की डिफरेंस आई. मतलब कासिमिरो पेड्री पे चढ़ेगा, पेड्री नेवर क्विट. ऑब्वियसली उसने कोशिश करी बॉल रखने की, एंड ही केप्ट बॉल, बट इट वॉज टफ फॉर अदर गाय. बट हम हारे थे हमारे डिफेंस लाइन पे. बिकॉज मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने मैंने बारसा के मैंने मेरे को लगता नहीं मैंने एक भी मिनट छोड़ा होगा इस सीजन तो एटलीस्ट. एंड मैंने कभी भी किसी प्लेयर को इतने इजीली भागते हुए नहीं देखा हमारे मिडफील्ड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में, जितनी इजीली फेडे वालवडे भाग रहा था उस पॉइंट पे. यस सर, यस सर, बट आई थिंक जब तुमको पता है, जब तेरे को पता है कि क्रूस मॉड्रिच कश्मीर अपनी पाएंगे, तुम नहीं संभाल सकते कोई भी, यू यू डोंट वांट दैट स्मोक, तो क्यों खिलाया, क्यों क्यों उस 3v3 बैटल करने की कोशिश भी क्यों करी? मतलब बनता था यार, जितनी जितनी क्राउड हमने मिडफील्ड कर रखी थी, एंड कंसिडरिंग कि मेसी एंड ग्रीजमैन, ऑब्वियसली हमने नहीं खिलाया ग्रीजमैन को, बट मेसी ड्रॉप करता है मिडफील्ड में, ही इज दैट ऑक्सिलरी मिडफील्डर अराउंड बुस्केट्स. तो वी हैड दिस कि काफी अच्छी बैटल हो सकती है तुम्हारे तीन मिडफील्डर से ऑब्वियसली. एंड लेकिन हु हाँ ठीक है. राइट, एंड उस न्यूमेरिकल 4v3 ना, क्योंकि मेसी ड्रॉप करेगा और तीन तीन मिडफील्डर उनके, ठीक है, ऑब्वियसली नाचो भाई अपनी लाइन से बाहर आके, कहाँ कहाँ नहीं गया भाई, मेसी की चटाई ऑब्वियसली कर रहे दबा के, एंड यू कांट इवन से कि लाइक उसके लिए, उसके लिए जेल बनाया मेसी के लिए, एक जेल नहीं सॉर्ट नहीं कुछ नहीं 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 था, काशीमिर बिल्कुल अपने। जेल सॉर्ट ऑफ तो देख मतलब ऐसे ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मेसी ओरिएंटेड तुमने गेम प्लान रखा. तुम्हारा गेम प्लान सिंपल था ऑब्वियसली, जितना मैंने देखा. जब मुझे नहीं पता क्या हुआ है तुम्हारे, इतना तुमने क्या डिस्कस किया है तुम्हारे वहां पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट इतना मुझे पता था कि होल फर्स्ट हाफ जो ऐसा हो रहा था कि हम तुम्हारे बॉक्स में तुम्हारे हाफ में खेल रहे थे मोस्टली. वी आर प्लेइंग आर टचेज, एंड मतलब हमारा मेन काम था बॉक्स तक पहुंचाना, जो कि ऑब्वियसली हम पहुंचा रहे थे. डेम्बेले फिनिश नहीं कर रहा था, डेम्बेले तक बॉल पहुंच नहीं थी, कुछ भी हो रहा था. बट वेन यू लास्ट ऑन द बॉल जो तुम्हारे पास आ रही थी, ऑल यू हैड टू डू वॉज दैट पिन पॉइंट पास टू विनिशियस, हुल ब्रेक हिज आर्ट आउट. मतलब अपना पूरा वाटर बहा देगा और आगे तक कैसे भी करके हमारे हाफ तक हमारे बॉक्स के पास तक पहुंचा देगा. देन यू विल डू योर मोहो. पता है एक चीट कोड मतलब है, एक चीट कोड है, अगर तुम्हारा एक बंदा राइट विंग बैक खेल रहा हो, फेदे वालवर्दे राइट विंग बैक, लुकास वास्केस से एक सेंटर डिफेंडर कहीं ना कहीं खेल ही रहा था, उसका सेम नाचो वाला रोल था कि जो भी उसकी नियरेस्ट वाला बंदा उसको प्रेस करना, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर टक राइट कर गया था, फेदे वालवर्दे राइट राइट विंगर था, और जितने भी काउंटर ओरिजिनेट हुए, जो फेदे वालवर्दे ठीक है विंगर अपना विंग बैक, उसका शॉट ऑफ मार्कर उस टाइम पे अल्बा को, बट वो बॉक्स में घुस रहा था काफी, क्योंकि कुमन बोलेगा नहीं, पेद्री, एल्बा एल्बा बहुत ही गंदा मार्क कर रहा था अगर उसको कर भी रहा था हाँ तो. बट आई थिंक नियरेस्ट बंदा पेदरी था कहीं ना कहीं, जितने भी काउंटर, जो पहला गोल था जो फेदे वार्ड ने निकाला, तो फिर लुकास को पास दिया, और बेंजेमा की प्यारी कूल फिनिश जो अगेंस्ट द रन बहुत ऑफ प्ले अच्छी थी, एग्जैक्टली मैंने अपनी बोतल फेंक दी उस अच्छी टाइम, मैंने कहा फिनिश, बहन शोट्स अब मजा आया, कोल्ड फिनिश, काफी कोल्ड बट फिनिश. फेदे वार्ड उस राइट विंग पोजिशन से निकला, कोई भी उसको मार्क नहीं,
तो इट्स समबडी हु इज वर्सेटाइल, जो राइट विंग बैक से विंगर से स्ट्राइकर बन गया कहीं ना कहीं. ये बकचोदी भाई, तुम यू कांट डील विद दैट, यू कांट हैंडल दैट स्मोक. नहीं नहीं एंड दीस आर वर्सेटाइल प्लेयर्स. एंड पता है ये पता है ये चाटा है उन लोगों के मुंह पे. मैं कभी भी डाउट करता था जो बोलते हैं कि योरेंते को निकाल दिया भाई, वो तो कितना वर्सेटाइल बन रहा है एटलेटिको मैड्रिड में. भाई वाल्वर्दे डेवलप करा है गंदी तरह भाई, बंदा शार्प था भाई. आई थिंक यू नो व्हाट, ही वाज द मेन वन, ही वाज द मेन वन डिफेंसिव फेज में. ऑफेंसिव फेज में चीजें निकालने की, क्योंकि आई एम कंप्लीटली एग्रीइंग कि अगेन मैं ऑब्वियसली आई टोटली एग्री. तुम्हारा जो फर्स्ट गोल था, इट इज यू हैव टू ओ दैट टू फेडे वाल्वर्दे. एंड ऑब्वियसली बेंजेमा की फिनिश, लेकिन यू हैव टू ओ दैट टू फेडे वाल्वर्दे. Totally. And even I guess वो एक और गोल करने वाला था, which hit the post, unlucky for him. Obviously, sir. एक आध, तुम इससे बात करो ना, एक आध कैसे जज, अब जज क्या कह रहे हो भाई, Madrid literally could have scored 2-3 more in my opinion. Second half में chances आ रहे थे. Not 2-3 more, never. भाई because नहीं, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे bias की बात भी नहीं है. Obviously तुम वहाँ तक पहुँचे थे. बट ऑब्वियसली हमारे डिफेंडर्स उस टाइम पे खेले. मिंगेज़ा ने दो बार लिटरली दो बार उसने एक बार विनिशियस को और एक बार बेंजेमा को कवर किया है थ्रू क्लियर कट गोल चांसेस 1v1 पे. हां तो आई एम प्राउड ऑफ दैट. इट वाज ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड बी. बट सेकंड हाफ में जो बैक फोर लाया, जब डेस्ट को हटाया, फिर अपना डेम्बेले को राइट विंग पे वापस खिलाया, पता है, एंड सर्जी रॉबर्ट को बीबीएम खिला एज अ एज अ बॉक्स टू बॉक्स लेके आया, ताकि कोशिश करेगा ही ताकि 2017 वाली हरकतें फिर से हो, तो कोशिश करेगा ही. क्योंकि नहीं नहीं वो थोड़ा शिट था, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो बिल्कुल मैच रेडी लग नहीं रहा था रॉबर्टो. पता कितना बड़ा शॉकर है उसके लिए, रोनाल्ड कुमन के लिए, जो एक चीज करते जा रहा है कि डेम्बेले को स्ट्राइकर खिलाएगा स्ट्राइकर, और वो काम नहीं करा एक इंपॉर्टेंट गेम पे, तुझे पता है. और तुम्हारी अगले इंपॉर्टेंट गेम ऑब्वियसली एथलेटिक बिल्बाओ वाली को बदल रहे फाइनल है तुम्हारा ऑब्वियसली. अब नाउ ही डिड ऑब्वियसली, वो बिल्कुल हल्का सा अपीयर तो हुआ था राइट विंग, हल्का सा तो हुआ था. तो देन यू अगेन, हां देन यू अगेन गेट कंफ्यूज कि मैं स्ट्राइकर पे उसको ओनस डालूं फिर विंगर, फिर से वही फोर्स थी वापस. What the problem is कि हम डेम्बेले से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पीएसजी या वर्ल्ड एम्बापे से एक्सपेक्ट करता है. मतलब ऑब्वियसली ऐसा गलत नहीं है, बिकॉज दे बोथ हैव सिमिलर ट्रेट्स, एक्सेप्ट डेम्बेले इज एन हार्ड इनकंसिस्टेंट फिनिशर एज कम्पेयर टू एम्बापे. एम्बापे बहुत अच्छा फिनिशर है. दे हैव द सेम स्पीड, दे हैव द सेम टेक्निकलिटी, दे हैव मतलब ऑब्वियसली सेम खून से है यार दोनों में. दोनों फ्रांस के लिए खेल सकते हैं, खेलते हैं सेम पोजिशन पे. बट एम्बापे की जो कंसिस्टेंसी एंड जो क्लिनिकलिटी है ना, वो आसपास भी नहीं है डेम्बेले के. तो जो एक्सपेक्ट करते हैं हम डेम्बेले से, मे बी इफ आंसू पार्टी वाज देयर वी कुड हैव डन बेटर, बट नॉट नाउ. डेम्बेले एज अ स्ट्राइकर कुड वर्क इफ ही कुड वर्क ऑन हिज फिनिशिंग. बट हाउ डू यू फील जब डेम्बेले तुमको सेल्वेज करता कहीं ना कहीं वाइज होती है अगेंस्ट, एंड देन यू से दिस लाइन कि वो फिनिशर अच्छा नहीं है यार. यू डोंट जिन्होंने हमें गेम जीता है. He was the first one who broke the deadlock at Sevilla when we wanted a comeback. He was the first one who broke the deadlock against Valladolid when he was shitting throughout the match, and in the last moment he scored the goal, the winner. I won't say वो बिल्कुल विंगर ही है sort of, but वो versatile है. He can play different ambipedal है, जो दोनों फुट उसके तगड़े. Needs to work. अब पता उसकी गलती भी नहीं है यार, वो तीन साल से injury table पे. I guess I don't know कि मतलब Barca ऐसे club में obviously इस point पे जब तीन साल काफी खराब गए and इस point पे जब आप instant results expect करते हो, तो fans के अंदर इतना वो नहीं रहता patience, but he deserves it. पता क्या है, तुम Dembele से प्लेयर को छुपा सकते नहीं, और जब तुम उसको स्ट्राइकर खिलाते हो तो वो कहीं ना कहीं छुप जाता है कि उसका वो एक ही उसकी इन बिहाइंड निकालेगा, एक ही उसका सॉर्ट ऑफ रोल हो गया. क्योंकि मैसेज जो ड्रॉप करा, मैसेज इन्वॉल्व्ड है 4v3 में. तो आई थिंक ये एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ड्रॉबैक है कि डेम्बेले शायद, बट उसका जो मेन पार्टी है इन बिहाइंड, एंड यू कांट डील विद दैट अगर वो इन बिहाइंड लॉन्च होगी. बट इन बिहाइंड लॉन्च कैसे होंगे, जो इन माई ओपिनियन फर्स्ट हाफ की पूरी बकचोदी थी, जो लॉन्गले और मिंगेज़ा के पास हल्का सा भी स्पेस आता है, हाफ स्पेस, हल्का सा हाफ स्पेस ही भेंचो, जो हाफ अ मिनट सॉरी हाफ अ सेकंड जो भी कहते हैं, क्योंकि मॉडरेट स्पीड पर चढ़ रहे थे तब भी. बट अच्छा, लॉन्गले वाज आल्सो नॉट दैट गुड इन द क्लासिको. ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में ही वाज नोवेयर नॉट गुड विद द बॉल, बट सेकंड हाफ में अगेन बैक टू में थोड़ा सही लगा, ठीक है. बट स्टिल मैं बार्सा के पर्सपेक्टिव से बात क्यों कर रहा हूं भाई चोद, बट हां आई यू नो व्हाट, आई वाज रियली प्राउड
डिड आई एक्सपेक्ट इट? आई डिड नॉट, क्योंकि मेरी थोड़ी फट गई थी जो फोर्थ जो थ्री मिडफील्ड ना फ्रेंकी, उसका मैं बोला भाई क्या बकचोदी है लिटरली, और जो तीन डिफेंडर्स थे कंट्रोल थी मिडफील्ड, आई वोंट से तो मिडफील्ड में बैटल जीते थे, इट वाज एन इवन बैटल इन द मिडफील्ड टोटली. हां क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कितने टचेस तुम्हारे हाफ में, मतलब कितने कितना डोमिनेट किया तुमको सेकंड हाफ में तुम्हारे हाफ में, बट मतलब इट वाज अ गेम भाई. मैं मेरे पता क्यों फटी थी, मतलब भाई तीन डिफेंडर है, लॉन्गले भी है, मिंगेसा भी, और वो भी है कौन है तीसरा कौन था, भेंचोद, अब अराउहो, अराउहो, अराउहो कहां से आ गया भाई, वो कहां से अराउहो डिजर्व करता था भाई, अराउहो और अच्छा भी खेला. अराउहो इतना फाड़ नहीं था ऑब्वियसली, मतलब साफ दिख रहा था ही वाजंट दैट मैच रेडी, बट अराउहो अच्छा था, अराउहो ने जो भाई. काम किया वो बढ़िया था. बट जो मेन सॉर्ट ऑफ हाईलाइट बन गई गेम की वाज मॉड्रिच एंड पीके हैविंग एक हल्की सी बकचोदी, जब पीके, यार पीके यार मैच नहीं कर रहा है भाई, क्या लुगाई भाई, ठीक है पीके ओके तू प्रेसिडेंट बनना चाहता है ठीक है, तेको वोकल बनना है ठीक है, सुनो तू देख तेको वोकल बनना है ठीक है, बाप बनना देखो ठीक है कूल, तेको अपने हक के लिए लड़ना ठीक है ठीक है, बट पीके भाई वोकल उसकी का गलत टाइम पे था, उसकी इमेज ऐसी बन गई है भाई, उसकी पता मीम है गलत इमेज टाइम बन पे चुकी वोकल है. था यार. मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा तुम्हारा सेलिब्रेट करने का टाइम था, उस टाइम पे तो उसको इतना वोकल नहीं होना चाहिए था. मतलब पोस्ट भाई पोस्ट मैच या बाद में वो चिल्ला था, हाँ भाई जो कि भाई सही चिल्ला था. देख मैं पीके की जगह होता तो मैं तो बाद में चिल्लाता भाई बहुत तब भी भाई. यार ऐसे फैन जो लाइन यार पे मैं खड़ा बताऊं है तेरे रेफरी से को, बात करने के लिए, क्या बकचोदी भाई. देखो पता है कि मतलब बहुत तगड़े तगड़े क्यूल्स है, तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली आई डोंट नो कल की बात है, न्यूज़पेपर है स्पैनिश वेल रिनाउंड न्यूज़पेपर, GOL विद अ O के ऊपर वो लगाते हैं ना स्पैनिश में. मुझे लगा एस नहीं 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 गोल. एस वाला. तो हाँ हाँ, अच्छा तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि व्हाट वाज द टोटल टाइम वेस्टेड इन सेकंड हाफ, एंड इट वाज 9 मिनट्स 50 सेकंड्स. नाइन What do मिनट्स you mean by फिफ्टी total सेकेंड half wasted? What do you mean by wasted? ये क्या बकचोदी टोटल टाइम वेस्ट जो इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग इंजरीज, इंक्लूडिंग फाउल्स, इंक्लूडिंग रेफरी का वो बकचोदी पूरी, जो 7 अज्जा सब कुछ इंक्लूड करके, इट वाज अराउंड 10 मिनट्स, एंड व्हाट वी गॉट वाज 4 मिनट्स. मतलब मैं नहीं कहूंगा कि वो 6 मिनट में अब गांड चुदा लेते, मतलब अनशनली तुम हर सब काम कर लेते, बट थिंग इज कि काफी ज्यादा था, हो हार्ड था यार. यार. मैं तो क्या बोल यार रहा हूँ, ठीक है, मतलब तू मुझे हिल मुझे मजानो रोना, क्वेश्चन कर रहा है, तू क्वेश्चन कर रहा है हिल मजानो को. मैं हिल मजानो को मैं मैच के पहले से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्या बात कर रहा है. तेरी 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 खुद की जो जो, जो स्माइल है खुद बता रही है यार, भाई क्यों बात कर रहा है मेरी यार. स्माइल सबको वाली आ रही, मैं क्या करूँ भाई, मेरी स्माइल ऐसे आ रही है, मैं क्या करूँ, तो मेरी स्माइल पता है इल्यूमिनेट होगी, छूते मुझे की बना. हिल मानजानो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. इलाइक्स मुरीवा, इलाइक्स मुरीवा है, उसने कुछ कुछ बोला कासिमीरो को, भाई एक समझ जा, वो कासिमीरो कैसे चल रहा है भोजड़ी का, 17 कितने 18 साल का, इतना गुदा का सा रहा है उसमें. कासिमीरो वेंचो हिल मानजानो को धक्का दे दे के हटा हटा के भाई साहब जा रहे हैं उसको एलियक्स मोरीबा से भिड़ने, लेकिन हिल मजानो ने एक बार येलो नहीं दिया. मान लो गलती से मेसी उससे दो मुंहचोदी वाली भाई वर्ड भी बोल रेड देता तो मिल मेसी तो येलो गया, रेड वार्ड. और क्या लेगा, मिल तो गया रेड, काश्मीर चला तो गया, हाँ कितना व्हाट रोग भाई, हो तो गया, व्हाट 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 अ फकिंग पीआर मूव. हां व्हाट रेड अ पीआर मूव नाइस. भाई, उसका अगेन सेकंड रेड कार्ड था मडेड करियर में लालीगा, हाँ आई थिंक लालीगा वाले फिक्स्चर्स में स्पेशली, हाँ शायद से जो, खैर जो भी हो हाँ लास्ट में भी वी वर ट्वाइस क्लोज टू इक्वलाइजिंग विद इन विद इन सेकंड, सो ओके ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आई इट वाज थिंक गुड. अगर तुम मारते तो इट वुड हैव बीन डिजर्व, इट वुड हैव बीन डिजर्व, एक डिजर्व ड्रॉ अच्छा अच्छा काइंड ऑफ. अच्छा अच्छा लेट मी फ्रेम इट इन माय ओन सेंटेंस. बार्सा इन देयर ओन हाफ वर बैड, मतलब नॉट बैड बट सर्टेनली बिलो द लेवल्स, बट बार्सा इन योर हाफ वर गुड, एंड ऑल्सो यू नो वो रेफरी से भी बिट रहे थे उस पॉइंट पर. हाँ Until the time Odriozola Vasquez came off, then Odriozola came, व्हाटएवर then whatever क्या भाई, वही एग्जैक्टली. तो important था, हाँ वही नहीं तो. ऑब्वियसली, बट रियल मैड्रिड इन आर हाफ वर गुड. मतलब मैं तुम्हारी जो फिनिशिंग थी उस पर बिल्कुल मैं आई वोंट क्वेश्चन, तुम बहुत फाड़ थे गोल के आगे हमारे, Obviously, yes बट sir, रियल मैड्रिड इन देयर हाफ वर excellent. नॉट दैट First half टेस्टेड, में एंड excellent. ऑल्सो What do you mean एक्सलेंट by not ऑब्वियसली, that दे वर हेल्प, tested? What do you mean दे by वर not that हेल्प्ड, tested? दे वर हेल्प्ड. अबे यार नहीं भाई, तूने पता कितने बंदे भेजे अपने हमारे हाफ में, 7-8, जो तुमने गोल मारा मिंगेजे वाला, इसे सेंटर बैक जो बॉक्स में अराइव कर रहा है, तुमने टेस्ट किया, ऑब्वियसली तुमने बंदे भेजे, बट भाई अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुमार ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फेदे वाले राइट विंग बैक खेलेगा, बट भाई मटर हर चीज के लिए अगेन हर चीज का तोड़ था, एंड दैट्स अ क्रेडिट रेडी टू अ टीम, थी ऑब्वियसली. यू वांट, यू डोंट, मतलब यू कांट से. मैं ये नहीं एंड कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हम मैच जीतते या नहीं कहते. मैं कह रहा हूँ कि सपोज हमें दो पेनल्टी मिल भी जाती, सपोज हमें दोनों के दोनों पेनल्टी मिल भी जाती, तुम हो सकता दो और मार देते. आई एम नॉट इवन डिसएग्रीइंग ऑन दैट. आई एम सेइंग इज दैट इट वाज एन इवन गेम ऑन 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 द फील्ड, बट
आई गेस तुम एक बंदे के साथ एक्स्ट्रा खेल ले रहे, हिल मानसानो नाम है उसका, विद जर्सी नंबर 30। यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, मैं इस डिस्कशन में आऊंगा नहीं, नॉट बाय, नॉट बिकॉज़ कि मैं अब तो हां हम तो, बट बिकॉज़ ये चीज डिस्कशन है। क्यों डू यू थिंक कि उनमें से दोनों पेनल्टीज ब्लेटेंट थी और डोंट कम बैक कि रामोस वाली पेनल्टी होनी चाहिए थी फिर जो नहीं होनी चाहिए जो पिछले क्लासिको में। हां मतलब ओके, कोई मतलब नहीं है यू क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। डू यू थिंक ब्रेथवेट ने एग्जैजरेट नहीं किया? I think अगर वो दोनों पेनल्टी ना भी थी ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम वाज वर्थ वाचिंग थ्रू द वीआर, एटलीस्ट वन ऑफ देम वाज वर्थ फॉर गिविंग अ फाउल एंड एक व्यू के लिए दोनों दोनों के दोनों वर्थ इट थी। दो फाउल मेसी पे हुए हैं, एक मिडल ऑफ द ग्राउंड, एक बॉक्स के पास, दोनों फाउल कासिमिरो, एक नाचो का था, एक कासिमिरो का था, दोनों फाउल में बॉल अड़ी भी नहीं है दोनों से एंड मेसी गिर चुका है, लेकिन दोनों को ना कार्ड मिला ना कोई फाउल। आई डोंट नो कि क्या चल रहा था मैच में भाई, भाई मिस, आई मीन ओके, आई मीन इट्स ओके ऑब्वियसली, अब ठीक है, अब जो हुआ, यू नो व्हाट, यू नो, आई कांट डिसएग्री, आई लिटरली कांट डिसएग्री एंड व्हाट, आई कांट से कि हिल मानसानो, आई तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एक प्रोफेशनल रेफरी को जो इतने तगड़े लेवल पर मैनेज कर रहा है चीजों को कि वो बायस्ड हो। आई जस्ट कांट सॉल्व इट। ओके ओके, मतलब टेल मी कि मैंने एट एनी पॉइंट ऑफ माय यू नो डिस्कशन या मैं जो फैक्ट्स पुट कर रहा हूं एनी पॉइंट आई एवर अंडरमाइंड मडेड कैसा खेली? मैंने बोले नहीं, मैंने ये ऑब्वियसली मडेड 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 बहुत फार के लिए, बट ऑल आई एम सेइंग कि ठीक है, दे डिडंट प्ले बहुत फार, फर्स्ट हाफ में दे वर लिटरली बहुत फार, सेकंड हाफ में आई थिंक दिस पार्ट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, और करना पड़ेगा कि क्रूस को हटाना पड़ेगा क्योंकि आने वाली गेम अपना लिवरपूल वाली, मैं इंजरीज बतानी है तुम्हारे, काफी मिनट्स भी अभी आगे ऑब्वियसली सर, एंड बेंजेमा को मायराल को लाया, वो बेचारा मायराल को लाया, बट आई थिंक मायराल नहीं मारियानो, मेरा सॉरी भाई, मायराल भी फाड़ रहा है, ऐसी बात है, रोमा में कोई बात, बट स्टिल जो मेन पॉइंट है, आई थिंक आई एग्री एंड आई कांट डिसएग्री विद योर ओपिनियन, आई कांट, क्योंकि मेरे को डिस्कशन है नहीं, बट अगेन मैं सोच सकता नहीं कि भाई इतने बड़े लेवल पे कोई बकचोदी करेगा या नहीं करेगा, बट आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है देन इट्स, अगर ऐसा हो रहा है देन इट्स रियली अ ब्लैक मार्क ऑन ला लीगा बाय द वे। हां बट आई थिंक ये काफी तुम ओवर एग्जैजरेट भी करते हो, काफी एक सॉर्ट ऑफ, पता क्या होता है, मैंने क्या नोटिस करा बार्सा फैंस का, बार्सा फैंस अपने में, जैसे कि अगर मैं बार्सा फैन ना होता, कोई और मेरी जगह बार्सा फैन होता, यू वुड हैव बीन क्रिटिसाइजिंग बार्सा के प्लेयर्स, यार अल्बा क्या कर रहा था, यार अल्बा चूते, तो यू वुड हैव बीन, मैं काफी नोटिस करता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू बार्सा फैन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ दूसरा फैन, स्पेशली मैड्रिड फैंस, दे आर वेरी लाइक कि दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर क्लब, व्हिच इज अगेन यू, व्हिच मेक्स ऑल सेंस मेरे हिसाब से, बट आई मीन हां ऑब्वियसली आई टोटली एग्री विद यू, मतलब मैं बैश करता हूं, मैं अभी कह रहा अल्बा वाज शिट थ्रू आउट द गेम, बट हां ठीक है, हां I think एक बार्सा फैन को बोलेगा कि वो लिटरली बोलेगा कि भाई अगर एक मिनट और मिलता क्या उखाड़ लेते, बट एक मैड्रिड फैन को बोलेगा कि हाँ भाई मिलने चाहिए थे, which is understandable, मैं डिबेट करूंगा नहीं, do I think मैड्रिड डिजर्व टू विन, yes they did and I think they did because they played, come on भाई, भाई वास्केस डिफेंडर खेल रहा है, फेदे वाल्वर्दे वहां पे खेल रहा है, मैड्रिड डिजर्व टू विन because of two points, number one because they played well, number two because they were playing with 13 men on field, so yeah, okay. 13 men कैसे 12 men है बेंच में, बंदे तो है नहीं, फैंस तो है नहीं, लाइंस में भी हेल्प कर रहा होगा बैंड खेल, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, भाई यार क्या सीख गया, सॉल्टी हो गया यार, हम तो सॉल्टी नहीं हुए, फिस बम नहीं भाई, बट यार सही बता तो, आई कांट डिसएग्री, आई कांट प्रोटेक्ट, ऑब्वियसली भाई, मतलब मैं ऐसे कोई चढ़ तो ना जाऊंगा, जैसे मुझे याद आ रही वो कौन सी गेम थी, यूनाइटेड और स्पर्स वाली जो 6-1 था, जो अभी तो उसको डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, बट पहले वाला 7, उसमें हां 6-1, उसमें जो पहला हरकत है जो मार्शियल को जो पेनल्टी मिल गई थी, जो कौन था, लमीरा था, कौन था मुझे एग्जैक्ट, जो डाइव कर गया था मार्शियल, हल्का सा धक्का देने क्या होता, हल्का सा टच होता था, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा, और वो पेनल्टी दी थी व्हिच वाज नॉट अ पेनल्टी, जो काफी बकचोदी थी, एंड मार्शियल वाज रेड कार्डेड टू, हां बिल्कुल लिटरली, तो दिस डिसीजंस कैन हैपन, अगर उसे पेनल्टी मिलती आई वुड हैव बीन कि भाई क्या बकचोदी, तुम डाइव कर रहे हो, बट अगर वो होती तो होती, बट एट द एंड ऑफ द डे 2-1 इज ला लीगा ओवर, ऑब्वियसली लड़ा भी नहीं, 8-9 गेम बची है, एंड आई थिंक अगर वास्केस इंजर्ड होता है, अगर फेदे वाल्वर्दे बच गया, काफी लोग कहते हैं वो इंजर्ड हो गया, बट ही इज बैक, क्रूस भी वापस है स्क्वाड में, तो है लिवरपूल वाले, इट अफेक्ट्स जो अगली गेम है हेटाफे वाली, मे बी आई एम लेस, आई एम नाउ लेस कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग ला लीगा, बार्सा विनिंग ला लीगा ऑब्वियसली, मोर लाइक आई गेस रियल कुड विन ला लीगा दिस सीजन मेरे अकॉर्डिंग, बट
भाई इंजरीज बहुत बड़े जा रही है भाई, रुक ही नहीं रही इंजरीज भाई, और हजार्ड मुझे पता नहीं क्या उखाड़ लेगा। अबे तो यू वांट ऑब्वियसली यू वांट ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट 54 वेस्टर्न इंजरीज, मतलब 54 इंजरीज, आर यू किडिंग मी शिखर, 54 इंजरीज, आई यू गेस टॉकिंग हजार्ड अबाउट इज बैक रेफरीज, अभी नहीं है, यू टॉकिंग अबाउट रेफरी, ठीक है, बट इट ऑलरेडी दो कितने बंदों से लेस खेल हाँ रही है भाई, आर यू किडिंग मी भाई, हाँ नहीं यार ऑब्वियसली यू कांट, बट आई थिंक जो आई भी एग्री है यस जो भी है, तुम्हारा तुम्हारा जो मेन फाइनल अगेंस्ट अपना एथलेटिक बिलबाओ कोपा डेल रे, जी हाँ क्या सीन सर, बिल्कुल क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब अगेन बोरिंग पॉइंट बोलूंगा बट मतलब ऑब्वियसली यू विल सेलिब्रेट, ऑब्वियसली काफी जीत होगी कुमन वाले प्लान के लिए, काश पहले जीत जाए, पहले जीत जाए। अभी बट इस पॉइंट पे मैं हाँ कुछ नहीं सोचता भाई। आई वाज सो कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग क्लासिको टू दिस टाइम, बट या व्हाटएवर वरी रियली सही में तो था हैपेंड हैपेंड। कॉन्फिडेंट या क्लासिको वगैरह का, ऑब्वियसली इट इज नॉट द सेम टीम व्हिच प्लेड इन अक्टूबर। या काफी चेंज हो गई टीम। पहली बात तो एटलेटिको बेटिस भाई क्या बकचोदी हो गई वो, एटलेटिको क्या हो गया भाई, पता मैंने एक चीज नोटिस करी, जब भी साउल और कोके के साथ प्रेशर हो खेलते गया हैं, भाई। जब भी साउल कोके के साथ खेलते हैं हारती है टीम, बार बार ये सोच चुका भाई, नहीं बार बार नहीं, जब ड्रॉप पॉइंट करे जो भी 11-10 बारी, भाई क्या बकचोदी है साउल कोके को, क्या हो गया भाई साउल को देख, कोके को तो मैंने अपना रोल फुलफिल करते देखा है। मैंने अभी ऑब्वियसली बेटिस भाई वाला मैच भी पूरा देखा था। कोके अपना रोल बहुत प्यारा फुलफिल करता है। देयर समथिंग्स अप विद साउल बाय द वे। कुछ रॉन्ग है उसके साथ मतलब अभी साउल यार। को इतना निचोड़ लिया उसको, इतना उसको इतना निर्मा का बर्तन बना बना के निचोड़ा हर जगह भाई, लेफ्ट बैक खिलाया, मिडफील्डर खिलाया, पता है कहाँ कहाँ नहीं खिलाया भाई, विंग बैक खिला रहा है भाई, सिमियोनी मार मिडफील्ड मार के खिला रहा है लिटरली, सिमियोनी यही करता भाई, पर कैसे करता सिमियोनी यार ऐसे, कैसे कैसे एक तो यार। कैसे एक प्लेयर को कन्विंस करेगा तू यहाँ भी खेलेगा यहाँ कैसे भाई, या तो वो पता क्या करता, या तो वो फिजिकली प्लेयर को इतना बिल्ड कर देता कि भाई तू कहीं भी खेल सकता है आई थिंक। अबे पता है ऐसे सिमियो ने, अब जैसे मोरिनियो था, मोरिनियो आल्सो यू नो सैमुएल एटो जो है वो स्ट्राइकर खेलना चाहता था पूरी जिंदगी, अपने स्ट्राइकर खेलना चाहता था। बट मोरिनियो कन्विंस्ड हिम टू प्ले लेफ्ट लेफ्ट विंग। यू हैव टू प्ले बाय प्रॉमिसेस, यू हैव टू प्ले बाय वर्ड्स विद द प्लेयर। तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी प्लेयर के साथ, ही वुड प्ले फॉर यू एनी टाइम। अब साउल जो है, साउल हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद सिमियोनी एंड द क्लब, एंड बंदा ये समझ ले कि उस टाइम पे ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर एट द टाइम व्हेन ही साइंड अ आई ऑब्वियसली गेस भाई 9 ईयर डील, उसका 9 ईयर डील विद फार एटलेटिको। उसका 9 ईयर डील, क्या बात कर रहे हैं, येप 9 ईयर डील 2026 में एंड हो रही है, 2026 में एंड हो रही है उसकी डील, कब एंड ही कब साइंड कब अराउंड टू करता टू है, इयर्स अगो आई एम प्रोबेबली, नॉट आई एम अवेयर, नॉट श्योर। सही में वेट लेट मी चेक। तू चेक कर, बट मैं बात करता है अपना भाई, ऑब्वियसली जॉ फिलिक्स सर की, जॉ फिलिक्स सर को क्या हो गया, वापस आ रहे हैं जा रहे वापस हैं आ इंजर रहे हो हैं गए जा रहे हैं, वापस इंजर्ड हो गए, जो फिर सर का सीजन पता नहीं यार, क्योंकि ना ही ऑब्वियसली ही चोज एक ऐसी टीम जहाँ पे इस टीम के निकलने के बाद ही भी वर्सटाइल, क्योंकि मैं कहीं भी अच्छा। खेलूंगा सर, क्योंकि इतना तो सिमियोनी बिल्ड कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो इज उस स्टेज पे भी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि सिमियोनी उसको उसके फ्लेयर को ट्रस्ट कर पा रहा है इस टाइम पे, है ना, क्योंकि यू टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक लेमार जो शिफ्ट पुट कर सकते हैं कोरिया, बट व्हेन यू टॉक अच्छा अबाउट अच्छा सॉरी टू कट यू ऑफ। या इट वाज 9 ईयर डील साइन 2017 एंड ही इज अंटिल 2026। बहन चूत, साउल का जो फाड़ इतना याद है, उसका भरोसा उसका जो गोल था अपना 9 ईयर डील, ये कैसे पॉसिबल है भाई 9 ईयर डील, तुम कैसे इतना लॉन्ग टर्म में कैसे भाई, थिंग्स अजीब है, काफी अजीब है तू थिंग्स लिटरली, दैट हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ मैं फुटबॉल। सीरियस में और जानना चाहूंगा, बट सिम्योनी वेल मोस्ट पेड मैनेजर ऑफ यूरोप का, एटलेटिको थोड़ा डिफरेंटली भी चलती है थोड़ा, बाया मेरे गैप से बाया गैप बाया गैप बाया गैप, एंड यू नो बाया व्हाट, गैप यू नो व्हाट, ही इज अ लूजर, ही इज अ लूजर, ही ही इज अ लूजर भाई, कम इज ऑन, नॉट ही इवन इज, मतलब लेट मी फ्रेम इट इन अ गुड वे। ही हैज डेवलप मतलब एटलेटिको को, उसने एटलेटिको को उसकी आइडेंटिटी दिलाई है लालीगा में, उनकी उनकी पोजीशन बिठाई की इज्जत ये है। बट ऑब्वियसली ही इज नॉट अ बॉटलर। यस ही इज अ लूजर। बट आफ्टर द सीजन ही इज अ बॉटलर टू, ऑब्वियसली भाई क्यों, क्योंकि तुम अगेन आई कांट कम, क्या इंजरीज हो रही है भाई, क्या ओके सावेज जा रहा था बीच में, जो भी एक्टर जो डिफेंडर जा रहे थे, एक एक तुम्हारे यार बैक लाइन इंजरी तुम्हारी हो रही शॉर्ट है, ऑफ, दिस इंजरी इज इतनी एक नहीं। हाँ बंदा मतलब मॉडरेट मॉडरेट जितनी तो नहीं है बट फिफ्टी इंजरी फोर तो भाई, है। नहीं भाई बट आई थिंक ही इज अ बॉटलर, एंड द रीजन वाई आई वुड से प्रेशर प्रेशर नहीं भाई, ऑब्वियसली प्रेशर, स्क्वाड भी काफी कुछ देखा, रोटेशन काफी छुती लिटरली, कौन सी गेम थी पिछली वाली जो लेवांते वाली गेम में, दोनों गेम में अलग रोटेशन थी, जो पहले अलग था पहली गेम थी उसमें सेकंड वाली में, पता नहीं डिस्ट्रेस काफी, फिलिक स्टार्ट कर गया, अचानक से फिलिक स्टार्ट कर गया बेटिस हाँ का गेम। अचानक से भाई, तो प्लेयर का तो प्लेयर कैसे डिलीवर करेगा, एक फिलिक्स ऐसा बंदा जो इतना तुम महंगा साइन कर रहे हो, और तुम भैंस उसके बाद ना एक गेम का भी ट्रस्ट नहीं उसके पास, याद है सीजन की शुरुआत में कोरिया कितना ज्यादा मतलब ऐसे वो था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन 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 दिस टीम कोरिया, एंड अब लिटरली ही इज अ लाइबिलिटी व्हेन यू सी हिम प्ले कोरिया आर यू टॉकिंग अबाउट, कोरिया। भाई वो फाड़ है
क्या बात कर रहा है, वो भाई कत्ल बहुत इस पहाड़ है, मैंने भी सीजन की शुरुआत में मैंने भी बहुत देखा पहाड़ है, अरे बट अभी कंटिन्यू कर अब रहा है। नहीं, कोरियन लेमर द नहीं मेन यार लाइमलाइट, देयर द मेन लाइमलाइट भाई, देयर द मेन लाइमलाइट ऑफ लेमार का तो फिल्म। फिर भी ठीक है, कोरिया तो आई डोंट थिंक सो अरे भाई, नहीं, मतलब कोरियन सो वर्सेटाइल भाई, स्ट्राइकर विंगर यू। नहीं यार, स्ट्राइकर ही तुम तो कहां वही ना, तो बात है, दे लैक अ स्ट्राइकर आफ्टर लुइस सुआरेस इंजरी एंड फीलिक्स इंजरी, एंड कोरिया इज नॉट डिलीवरिंग एज अ स्ट्राइकर। पता है, मैं काफी एक्साइटेड इस गेम के लिए क्योंकि सुआरेस था एंड दे वेंट विद कोरियन, अपना फिलिक्स अप फ्रंट में आई थिंक, एंड करास्को लेफ्ट में था। आई वाज एक्साइटेड कुछ बकचोदियों के, एंड वाज अ केजी गेम कहीं ना कहीं, बट बेटिस भाई भाई फकीर भैनचोद, कनालेस कनालेस कनालेस। पता है एक और चीज भाई, भाई एक तो स्पेनिश नेशनल टीम की बात करूं तो भाई क्या बकचोद भाई, लुकास वास्केस हैड टू बी देयर भाई, नाचो एंड लुकास वास्केस हैड टू बी देयर, हैड टू बी देयर नेशनल टीम में। और अच्छा ये अच्छा जोरेंटो को राइट बैक खिला नाचो रहा है गुड वो, बी अ गुड चॉइस, नाचो गुड बी अ गुड गुड शाउट, बट नॉट गुड भाई, ही इज लुकास लुकास वास्केस वास्केस, आर इवन क्वेश्चनिंग कहाँ खिलाएगा, कहाँ खिलाएगा। भाई वो। मैं आई एम नॉट टेक टॉकिंग अबाउट कि वो फर्स्ट टीम में बिल्कुल होना चाहिए, बट इफ यू गो टू अ टूर्नामेंट, एक स्पोरैडिक प्लेयर चाहिए होता है जो वास्केस जैसा, जो आके भी शिफ्ट दे गंदी वाली। और वास्केस से बढ़िया मेरे ख्याल से और कोई है नहीं यूरोपियन फुटबॉल में हाँ जो जब भी मतलब आएगा जो बंदा 100% ऐसे देगा। हु कैन बी अ गुड ऑप्शन एट बोथ राइट बैक एंड राइट विंगर, हर वास्केस जगह अच्छा ऑप्शन भाई, है हर वैसे। जगह। बट आई यू नो व्हाट, आई वुड मूव ऑन फ्रॉम स्पेनिश फुटबॉल, काफी स्पेनिश फुटबॉल ओरिएंटेड हो गए। बकचोदी, वेस्ट हैम, अपटन पार्क, बुलबुले जी मैं तू तो बात कर रहा हूँ। फेडरी भी लग रहा है वैसे आज। वैसे कोई बात नहीं, पेट्रिक कहाँ जा रहे वेस्ट हैम, बट मैं मोस्ट इंपोर्टेंटली जो मैं कह रहा था भाई, अपटन पेड्री टू वेस्ट हैम, सोच बार्टो होता है यहाँ पे, पेड्री टू अरे याद है क्या बोलते हैं, एक टाइम पे पेड्री लिंगार्ड स्वाप होता। नेमार टू वेस्ट हैम था एक टाइम पे, जब सैंटोस में था वो, ये हरकत हो रही थी भाई पहले तो वेस्ट हैम हाँ काफी। हाँ और क्या भाई, वेस्ट हैम की काफी हरकत थी। बट अगर तुम थोड़ी मेरी थूथ से यूज्ड टू हो चुके हो, मैं थोड़ा खुल कह सकता हूँ ठीक है, क्योंकि मेरा भाई सांप की नाच कर रहा है भाई, क्या क्या कर रहा है। लिंगार्ड के सेलिब्रेशन बोलो भैंचो, तुम उसे गोल बहुत बोलो, तुम टॉप कॉर्नर्स बहुत बाहर शॉट से कॉन्फिडेंट, सारे बढ़िया बोल, इट लुक्स लाइक ही इज सेटल्ड लंडन में, इट लुक्स लाइक ही इज देयर, इट्स हिज सिटी, ही इज ओनिंग ये इट, लोग एंड आई कांट फाइंड एनी रीजन। यश यश बोलो शिखर, आई अपने से बात कर रहा हूँ भैंचो, आई कांट फाइंड एनी, सेम यार, आई कांट, मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं कि ठीक है वेस्ट हैम काफी प्रेशर सोक अप करती है, सूचे को पता है गोल स्कोरिंग मिडफील्डर सॉर्ट ऑफ, यू टॉक अबाउट कि काफी मिकेल एंटोनियो, कभी शायद बेनरामा, कभी भेंचोद, कौन है मार्क नोबल इस गेम में खेल रहा था, क्योंकि कौन है डेक्लन राइस बाहर पाब्लो था, पाब्लो पाब्लो फोर्नाल्स पाब्लो फोर्नाल्स, इतनी वर्सेटाइल, इतनी फ्लूइड सेंटर काफी, लाइन जो काफी काउंटर अटैक में बढ़िया होती है, एंड सेट पीस लेकिन और लॉन्ग लेकिन बॉल लेकिन सेकेंड जो बॉल्स। फ्रंट उनके जो फ्रंट थ्री है, उन फ्रंट थ्री में दो लोग लिटरली, एक का नाम है जैरेड बाउवेन, एक का नाम है अरे जेसी भाई, लिंगार्ड, अरे उनका भाई कनेक्शन ऐसा फाड़ है ना इस पॉइंट पे। जैरेड बाउन, यू नो व्हाट, अगेन मैं पिछले वाले में बोल रहा था कि जैरेड बाउन हैज टू बी ऑन द, बहुत छूते हैं भाई, पर कितने बंद भाई, एक तो इंग्लिश में इतना कंपटीशन है इंग्लिश बंदों में भाई, बहुत मेडिसन ज्यादा अभी इंजर्ड है, वो तो कहीं ना कहीं शायद से अभी भी आया बहुत नहीं, ज्यादा बट दे हैड अ गेम अपना लेस्टर के अगेंस्ट, 3-2, एक सेकंड पोजिशन टीम, नहीं थर्ड पोजिशन जो भी ठीक है लेस्टर, थर्ड अच्छा पोजीशन खासा रहा, एंड फिफ्थ पोजिशन वेस्ट हैम, वेस्ट हैम डिड इट भाई, इन इन दिस द टॉप फोर। इन द टॉप 4, आई डोंट थिंक सो दे सस्टेन इट, द रीजन व्हाई, क्योंकि पहली बात तो यू नो व्हाट, आई बिकॉज मैं थिंक, चेल्सी फैन हूँ। ओके सर, बट आई थिंक पहली बात तो तुमने एक न्यूज पढ़ी लेस्टर वाली कि जो पेरेस है, आयोजे पेरेस, उसकी कोई पार्टी होगी, उस पर 3-4 बंदे चले गए इस गेम से पहले, ऐसा कुछ सीन था, तो अच्छा रॉजर्स से खुश था नहीं, तो कुछ ऐसे बकचोदी पता नहीं क्या क्या, ये थोड़ी डिसिप्लिनरी इश्यूज पता नहीं क्या क्या, मतलब हर कोई आठ आयोजे आठ पेरेस को तो वैसे भी नहीं खिला रहा क्योंकि इट्स केलेची इनाचो सीजन ब्रो। भाई अपनी आयोजित थोड़ा फंक्शन कर रहा था उस फ्रंट 3 में, वार्डी और उसका क्या कहते हैं इनाचो, और वो विच इज वेरी वैसे अपन बोल तो ब्रेव। रहे हैं कि मतलब लिंगार्ड का काफी ऐसे वो सीजन है, यू नो, वापस इज रीबर्थ है, लेकिन भाई ओ भाई केलेची या नाचो ब्रो। हाँ डेफिनेटली भाई, केलेची इनाचो मुझे याद है, वो सिटी में था, ही वाज ऑलवेज द हाँ सेकंड सॉर्ट ऑफ बंदा, क्योंकि उस टाइम पे जेको था, नहीं जेको कौन सा था, नहीं जेको तो भैंसो पुराना उस वाला, टाइम पे एग्वेरो एग्वेरो हाँ को एगोरो, अंडर स्टडी करता था, सिटी बस एगोरो, वो एक और भी हो गया, सिटी में तो हमेशा 3 होते हैं, सिटी में 2 होते ही नहीं कभी, भैंसो में तो हमेशा अबंडेंस में होती नहीं है। था भाई उस टाइम पे नंबर 9 तो एग्वेरो ने केलेची है नाचुई थे, जेको छोड़ गया था, अरे वो कौन मे था, बी विल्फ्रेड नेग्रेडो बोनी, खेल रहा था, विल्फ्रेड बोनी बोनी कब था, बोनी वो बोनी 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 भी था, कब का बोनी भी था, था, 15, मुझे बोनी एग्जैक्टली था याद नहीं आ रहा, 2000 16 16 15 16 तक था शायद से, तब तक भाई हाँ। विल्फ्रेड बोनी फाड़ था भाई यार, तमीज से उसकी लोअर बॉडी कतल भाई, क्या क्या कति स्वानजी में पार्ट गिलता भाई वो, कहीं सही, अरे स्वानजी कहते, स्टोक्स में भी गया था उसके बाद, स्टोक से याद हाँ आया, वो उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया उसको, स्टोक से याद है, हम चैंपियंस लीग प्रीव्यू भी करेंगे सॉर्ट ऑफ, स्टोक का छुपो मोटिंग, जी हाँ स्टोक का छुपो मोटिंग, फिर वहां से कहाँ कहाँ, वो टोक लेजेंड। बट भाई मैं वेट नहीं कर रहा है, द वन थिंग व्हिच आई नोटिस अपना लेस्टर वाली गेम पे, यू पता है एक
एंड दिस इज हाउ मॉड्रिड वॉन एंड दिस इज हाउ यू यू नीड टू प्ले यू नीड टू हैव वर्सेटाइल प्लेयर्स हु कैन प्ले सेवरल पोजीशंस पहला दूसरा तुम्हारे काउंटर प्रेस ऑन पॉइंट होनी चाहिए एंड आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हेंड्रिक्स और जो क्रेसवेल जो उनके बैकलाइन में अपना उनकी काउंटर प्रेस द वे दे फोर्स गोल्स चढ़ना बंदों पे जो डियोप है ना भाई खतरनाक आई थिंक दे फाउंड अ प्रॉपर बैकलाइन फाउंडेशन एंड दैट्स द फर्स्ट व्हेन यू बिल्ड अ टीम तुम्हारी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है काफी एंड डेविड मोइस का वही इससे से वो जाना जाता है आई थिंक ही इज नॉट बीन डन बाय आई एम रियली हैप्पी कि जे डेविड मोइस को एक अच्छी वो भी काफी हेल्प हुआ इन बंदों का एक कम टुगेदर करने का बहुत बहुत भाई बट डेविड मोइस इज अ गुड शाउट फॉर मैनेजर ऑफ द सीजन इन इंग्लैंड सही में इन केस अगर वेस्ट हैम फिनिश टॉप 4 I'd be happy to see that. I'd be happy to see that. But क्योंकि उसको जो मिस प्लानिंग गंदी प्लानिंग और जो एक चक्रव्यूह में फंस गया था यूनाइटेड वाले जब उसको अच्छा फाड़ने के बाद एवर्टन में जब यूनाइटेड में जो 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 वो वाला पार्ट था जब निकला था 2013 में गया था एलेक्स फर्ग्यूसन एंड अराउंड 2018 जब अपना ये आया था ओले एटलीस्ट उससे बीच के पार्ट में जो भी बंदा यूनाइटेड से कनेक्ट हो गया इन एनी वे बी इट इन द मतलब ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड They had to suffer. बात कर ले सर फिर बात कर ले मोरिनियो वर्सेस ओले क्या हरकतें हो रही भाई क्या बकचोदी थी पहली बात तो ऐसे स्ट्रेट आउट पूछूंगा मैं पूछूंगा ये मैं बोलूंगा अगर मैं सन हूं और अगर मेरे मेरे मुंह पे वो लग रहे हैं मैकटोमिनी का हाथ मैं खेल रहा हूँ और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम के लिए लड़ रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है बिल्कुल नहीं है दो दो ओले शुड बी वो ओले पता है एक तो ओले अच्छा डिलीवर कर रहा है ऑब्वियसली उसकी टीम काफी फाड़ रही है ब्राइटन वाले गेम कंटिन्यू ठीक है तो ओले ने थोड़े गट्स तो ले लिए कि वो बॉक्स में बिल्कुल वोकल है चीजों के लिए वो स्टैंड लेता है वो काफी अब ऐसे ऐसे अंडरडॉग की तरह एक्ट नहीं करता वो अरे कौन सा था जो पिछला इंटरनेशनल ब्रेक था उसमें उसके जस्ट बाद काफी गुस्सा हो गया था कि हमारी गेम की टाइमिंग बहुत चुदी पड़ी है बारह ने क्या क्या बोल रहा था हाँ अरे बहुत भाई गुस्से में लड़ रहा था कि ये क्या नहीं नहीं कौन सी गेम थी लेस्टर वाली गेम थी शायद से 2-2 ड्रॉ था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा बोल रहा था कि पोस्ट मैच में कि टाइमिंग क्या थी हम अभी कोई गेम खेल के आते यूरोपा लीग क्या क्या सीन था भाई लड़ता तो पूरा ओले बट पता है एक ऐसा सिनेरियो कि ओले भी सही अपनी जगह क्योंकि वो ड्रामे कर रहा है और एक अच्छा गोल कवानी का काफी लोग बोल रहे हैं कि काफी टाइम बाद एक कवानी ऐसा स्ट्राइकर यूनाइटेड अच्छे में नहीं थे यार उसके वर्ड्स अच्छे नहीं थे उसके जो उसने बोले हाँ सन के थोड़ा बारे ओवर में एग्जाजर और हाँ फिर सन ने जो किया ऑब्वियसली वो अपने टीम के लिए किया था गलत भी नहीं है उसको हिट आया बहुत ही फाउल इंड्यूसिंग हिट था बिल्कुल सही था नहीं इतना ज्यादा नहीं हुआ यार कि बंदा पड़े रहे 10 मिनट तक लेकिन था उसके हाँ आईज में लगी वो हाँ गिरा बढ़िया है वो गिरा रहा उसने देखा गोल हो सकता है उसको पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन वो गिरा रहा बाय द टाइम हाँ उसको फाउल नहीं मिला था एंड अगर आगे गोल हुआ है देन इट वाज मेंट टू बी डिसअलाउड इट वॉज अ गुड गोल भाई इट वॉज अ गुड पोगबा को पॉकेट में इट वाज अ फाइन गुड गोल नो करना डाउट पोगबा की और बहुत अच्छी पोगबा का बॉल आई थिंक वन वन ऑफ द बेस्ट दिस इज पोगबा दिस गेम इज पोगबा लिटरली दिस इज वन ऑफ द जब बेस्ट पोग गेम्स ऑफ पोगबा दिस एंड सीजन इन यूनाइटेड टी शर्ट आई थिंक काफी इंटरेस्ट में काफी इंप्रेस था द वे ब्रूनो एंड पोगबा फंक्शनड भाई यार बट पता जो मेन था कि पोगबा ने बॉल कलेक्ट की उस फेज में कलेक्ट करी बॉल हकला क्योंकि हाँ और जैसे मैं उसने उसने टाइम लिया अपना कवानी के इन बिहाइंड निकालने का और वो कोई वो बंदे से पैनिक कर देते भाई पोगबा टेक्निकलिटी नहीं रखता कि उसने और कवानी भाई भाई कवानी का हेडर भयं छोड़ भाई तीर कमांड बहुत कर देते शॉर्ट तो अर्जुन अर्जुन कर देते भाई कितनी कवानी जैसा फिनिशर चाहिए भाई टीमों में पता किसके भाई सही कह रहा भाई टीमों में अच्छा बोल रहे है टीमों में या टीमो वर्नर में अबे शिट जिंक्स हो ओ गया भाई ये जिंक्स तो हो बहुत गया बहुत बड़ी बात बोल दी भाई ये तो मैंने बहुत ही भाई सच में भाई तो फैक्ट हो गया मैं थोड़ा तो सही बता रहा हूँ अबे पता है द रीजन पोगबा एंड ब्रूनो आर फंक्शनिंग टुगेदर इज बिकॉज पोगबा इज नाउ प्लेइंग एज अ मोर लाइक अ मेजाला इफ यू नो व्हाट व्हाट अ मेजाला हाँ स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली यू नो व्हाट पोगबा इज प्लेइंग मेटजाला मोर राइट लाइक अ मेजाला व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म्स लाइक रॉमटेड और जो भी कहते हैं मेटजाला कातेनाचियो जो भी जो भैंचो क्या कहते हैं और क्या आता है अपना और क्या आता है अपना त्रेकर्तिस्ता सब रजिस्ता चीजें रेजिस्ता रजिस्ता त्रेकर्तिस्ता सब चीजें व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आई थिंक ये काफी कल्चरल टर्म्स हैं लेकिन रॉमटेड रॉमटेड और इज प्रॉपर मिलर उसको हर कोई मिलर वही बोलता है जो गोजीसीएस एससी वाले बंदे दीज होते हैं ना आरंट जस्ट एक तो ये इटालियन टर्म्स है दूसरा दीज आरंट जस्ट यू नो पोजिशनल टर्म्स दे आर पोजिशन प्लस रोल्स टर्म एंड आई थिंक दीज आर टर्म्स जो प्लेयर पे बनती हैं कातिनाची एक क्या एक्स्ट्रा डिफेंडर बनती है जो मुझे एक मैं बुक पढ़ती हूँ वर्टिंग उसमें नाम भूल गया भैंचो तो मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों भाई मैं चीज़ें भूलता क्यों यार तो खुद बता मैं चूते की तरह बुक पढ़ रहा हूँ ठीक है और बता मैं बुक कैसे पढ़ता हूँ मैं उम्र बुक हो पता गया है यार तेरी अब पता है बुक कैसे पढ़ता हूँ भाई मैं बुक पढ़ता हूँ कि हाँ बैठ के लोड़े बट भाई हाँ बट मैं बुक पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ 5-6 पेज एक दिन के शायद से और वो कम है काफ़ी मिनिमम है 5-6 पेजेस ठीक है काफी है चाट दस लूंगा अच्छी दस तरह पेज अपने मिनिमम होने चाहिए चाट लूंगा पेजों को अच्छी तरह नोट्स बना लूंगा उसके छोटी डायरी में नोट की मैंने ये पढ़ा और ये की पॉइंट्स है ठीक है ताकि अगली बार स्टार्ट करूँ तो
उससे पढ़ के थर हूँ कि हाँ जो स्टोरी चल रही है मुझे पता हो। इतनी मेहनत करने के बाद मैं चीजें भूल रहा हूँ भाई, भाई मुझे शर्म आ रही है लिटरली मे मुझे। बी तो मे बी अबे ये इसलिए होता है बिकॉज मे बी तेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही होगी, काफी तेरे प्लान्स ऑलरेडी होंगे जो अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो मे बी इस वजह से होता होगा, अब यू नहीं, ये नो। तो 1 साल पहले की बात है, इन्वर्टिंग द पिरामिड काफी टाइम हो गया खर खत्म करो, काफी टाइम हो गया। मैंने क्या नाम था, इन्वर्टिंग द पिरामिड, इन्वर्टिंग यस द सर। पिरामिड। वैसे इन्वर्टिंग द पिरामिड से याद है, काशी मेरे भी यही करता है आजकल, इन्वर्ट करता हूँ पिरामिड का, मतलब पिरामिड नहीं जो ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ, मतलब वो एंगेज करता है बैकलाइन को, क्रूस मोटर्स को भी कोई पीछे होता है विद द बॉल। हाँ बट वो काफी हाँ इंटरेस्टिंग ये बात वाला चल रही नहीं है। बनता तुम्हारा ट्राइंगल आज, ये वाला नहीं, उल्टा ऐसे भी बन जाता कई बार। हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन, भाई मैं तो अजी थोड़ा, मैं चाहता, मैं क्योंकि काफी टाइम बाद हो गया, हर कोई सुधरे बच्चों का बिहेव कर रहा था, बट इन मोरिनियो सेड कि ओले इज नॉट अ गुड फादर, ओ बहन आई नहीं मीन नॉट अ आप गुड, ठीक है मतलब मतलब, हाँ नॉट अ बेटर फादर देन सन के पापा। सन के पापा देखिए कितने जैक्ड अच्छा है, देख, बहन चूस। अच्छा देख, ऑल इट ऑल मतलब जो चारी ने चीज जा रही है काफी सन के उस पे, बिकॉज सन मिलिट्री ट्रेनिंग लेके आया है इन कोरिया। अरे सो सर क्या था कि हाँ ऑब्वियसली ये हाँ काफी ऑब्वियसली चीज ऐसे बता रखी थी बाहर, एंड देन उसके बाद सारे ऑनलाइन ऐसे क्वेश्चन करना कि सॉरी टू ठीक कट है यू, सॉरी टू कट, क्या क्या बकचोदी, मिलिट्री कट, मिलिट्री मिलिट्री कट, तो मेरा मिलिट्री ट्रेनिंग वाला क्या हरकत है कोरिया में, ऐसे क्यों पता उठाते नहीं, उसके फुटबॉल पापा ने उसको। उसको दिलवाई है उसको, मतलब जब ये हुआ था, अभी जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे इसके पापा ने सन के पापा ने सन के पापा ने वो कराया था, हाँ इसकी मिलिट्री कराई थी, बताया था मैं अभी तक काफी समझ नहीं पाया ड्रिल्स। कि जो बक जो वर्ल्ड कप में कंडीशन थी इस कोरिया की, कि अगर बाहर होगे तो हर किसी को ट्रिप क्या करना पड़ेगा कुछ, वो क्यों है वो कंडीशन, वो क्यों है, क्या है वो, मुझे अभी तक समझ नहीं पाया क्या सीन है वो, मतलब पता नहीं, लिटरली मैंने कभी ऐसे ज्यादा डीप में सोचा नहीं इसके बारे में। भाई ऐसे कोई क्यों करता है प्रिविलेज बंदों को, जो प्रिविलेज मतलब अपनी मेहनत की वजह से, सन जैसे जो इतने लेवल पे पहुंच चुकी है भैंस, उनको अपनी मिलिट्री ड्यूटी सर्व करो, थोड़ा अजीब है, थोड़ा सही में अजीब है। यार हाँ एंड अजीब तो देन है यार। एंड टू बी विद समबडी जो बिल्कुल नॉर्मल बंदे, मतलब नॉर्मल बंदे भी थे, मतलब उनके कैंप में होना है फिर बहुत ही अलग बात छोड़ी, बट भाई मोरिनियो सेड इट एंड आई वाज शॉक्ड कि सेमी ये हो भी रहा है, एंड ही गलत है सेड तो कि अभी हाँ, एंड मोरिनियो पता मोरिनियो ने बोला क्वेश्चनिंग कि क्वेश्चनिंग हिम क्वेश्चनिंग सॉन कि मिलिट्री लेके आया, सो ऑब्वियसली इतने से फाउल में गिरेगा क्या, मतलब वो अपनी टीम के लिए कर रहा है, टैक्टिकल फाउल्स है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था ये, टैक्टिकल टैक्टिकल फाउल, टैक्टिकल ड्रामा जो कह ड्रामा। ओ हाँ सॉरी, हाँ हाँ फाउल हाँ चुनने गया इट पता है, आई थिंक इट वाज अ गुड गोल, दैट्स व्हाई काफी यूनाइटेड फैंस सॉल्टी तो नहीं बोलूंगा बट काफी ओवर रिएक्ट सॉर्ट ऑफ हो गया होगा, और आई शुड नॉट से यूनाइटेड फैंस बट फुटबॉल फैन इन जनरल, क्योंकि काफी बढ़िया गोल था एंड ऐसे। ओले फुटबॉल फैंस एंड ओले एज वेल, हाँ ओले बट ऑन ओले ओले टेक अ डब्ल्यू। जनरल प्ले भाई, पहली बात तो ग्रीन वुड आर यू किडिंग मी, ब्राइटन वाली गेम, ये वाली गेम, वो वन क्या टच फिनिश किया, क्या एंड अगेन फिनिश स्लैप किया, राइट भाई, एमबी पटेल एक और बंदा जो एमबी पटेल, दोनों फुट काम करते अच्छी तरह, बट जो बिल्कुल। यूनाइटेड फैंस भाई क्वेश्चन, एक एक गेम पता क्या सीन होता है, मिलान को रहा है, मिलान में जाके वहां पे सीन करा, अगली गेम जीती प्रीमियर लीग की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा जो भी बकचोदी थी, मुझे नाम ही भूल क्यों गया भाई, मैं भूल क्यों जाता हूँ गेम में, बट हाँ उस गेम में हार कर ड्रॉ कर पॉइंट्स लूज करते, क्या सीन हुआ था, क्वेश्चनिंग फ्रेड अगेन कि फ्रेड चूती है वो, नाउ फ्रेड स्कोर्ड एक प्रॉपर गोल, दो आई थिंक वो गेम में काफी इवन था, काफी स्पर्स की भी चांसेस आई थी ऐसी बकचोदी नहीं है, बट बहुत अच्छा गोल था, इस गेम में जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, पहली बात तो ब्रूनो पोग्बा द वे दे, यू कैन डील विद दैट स्मोक एंड आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच, एंड पोग्बा लिटरी रिसर्च कर रहा है, अब मिनो रायलो क्या बोलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, मिलिट्री भाई मिनो रायलो पता नहीं भाई, अगर अगर इफ इफ द सेम थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आई गेस दिस अ रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ पोग्बा, ही हैज टू, मतलब ये लिटरली पोग्बा को मैंने इतने स्ट्रेच ऑफ गेम साथ खेलते हो तो बहुत टाइम बाद देखा, एंड इतना परफेक्ट खेलते हो, मतलब हमेशा ऐसा था कि पोग्बा वाज, जो पहले 3 साल थे उसके पोग्बा में जब वो खेलता था, देन इट वाज लाइक कि पोग्बा अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बेसिस पे मैचेस जीता था, एंड ही यूज्ड टू स्टैंड आउट, बट नाउ ही इज प्लेइंग अ टीम गेम एंड दैट्स गुड। फर्स्ट गोल दिखाता था छिद्रा, वो कवानी इज बैक, कवानी को रिन्यू करना करना चाहिए मेरे ख्याल, रिन्यू तो कर देंगे, सही तो है, कर दो एक एक साल साल का के तो लिए, करीब कर है, दो भाई 1 साल के लिए, ऐसा स्ट्राइकर मिलता नहीं अनलेस भाई एंड पता, इनकी अलग प्रायोरिटीज हो, मतलब यूनाइटेड अनलेस हैज द मनी टू एंड गो फॉर हालैंड बाय द वे, अंटिल डू दे रियली, दे हाँ आई हैव द थिंक दे मनी हैव फॉर गोइंग होगा, आई ऑब्वियसली दे गेस, ऑलवेज हैव द मनी। मतलब इफ यू हाँ दे ऑलवेज हैव भाई, मैं मुझे पता नहीं इसका रीजन है नहीं शायद से, बट अगर तुम सीजन की बात करो तो दे व्हाट दे विनिंग, दे नॉट विनिंग, दे कैन विन यूरोपा लीग, कैन दे विन द प्रीमियर लीग, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो थिंक नो, सो, दे कांट विन द प्रीमियर इम्पॉसिबल। लीग, दिस सीजन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। अगर सोच, अगर सिटी अपनी फॉर्म में हिट करती वो गंदी वाली,
दे लिटरली कुड हैव, मतलब कंटेंशन में गंदी तरह होती यूनाइटेड अच्छी तरह भाई, अच्छा, अगर सिटी वो काफी काफी पागल ना बड़ा वो जाते है वे, काफी बड़ा भाई। कुछ कोइंसिडेंस है कि द मैच व्हेन सिटी हिट फॉर्म वाज द मैच व्हेन टॉटनहम लॉस्ट इट ऑल. टॉटनम केन टॉटनहम केन सन सन तो चल तब भी बेचारा रुक जाए, पापा पापा मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं उसी बेंच वहां पे भाई। पापा आई एम लीविंग, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग केन, मैं लीव कर रहा हूँ। हो गया केन भाई, हूं मैं लीव. हो गया भाई, मतलब मैं तेरे को ऑलरेडी लास्ट पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि केन हूं मैं तभी, मतलब जैसा केन का रहा है मैं तभी लीव करूंगा जब मुझे ऐसे बाहर से ठोकर मिलेगी कि ब्रो आ जा, तो मैं निकल जाऊंगा, तुरंत निकल जाऊंगा. सेम ऐसा लगता है कि लोग ठोकर नहीं दे रहे ना, है ना, लगता है ना कभी भी लोग ठोकर दे नहीं रहे कि लोग उसके लिए पीछे पागल हैं। अब बिकॉज बिकॉज दो दो पॉइंट है, तो केन की मार्केट वैल्यू मेरे ख्याल से सेकंड है, थर्ड आई हो चुकी है इस पॉइंट पे. एंड सेकंड की डैनियल लिवी से कौन मुंह चोदी करेगा यार. उससे तो है ही बकचोदी, बट आई थिंक आई डू थिंक जिस हिसाब से मोरिनियो उसको प्रोटेक्ट करता है ना केन को, कि वो जाएगा नहीं वो सब हरकतें, तो थोड़े लोग अभी भी थोड़े वल्नरेबल है, मतलब थोड़े एजी है कि जाए ना जाए, बट एजी तो नहीं, मतलब थोड़े टॉप्स के कहते हैं टिप्सी है, पता नहीं क्या वर्ड है, जो भी ठीक है बकचोदी। बट थोड़ा सा हम बात कर रहे कंफ्यूज थे अभी, है, लेट्स कंफ्यूज. हम अभी बात कर रहे थे बार्सिलोना की, मतलब उस बार जब कोई इंग्लिश स्ट्राइकर बार्सा में खेलने की, गैरी लिनेकर डिड द सेम, गैरी लिनेकर डिड द सेम बहन शोध, टू नाइनटीन या एटी सिक्स से आई एटी टोल्ड नाइन यू, आई टोल्ड, तो मतलब ऑब्वियसली यू कैन आस्क, मतलब इनसे भी पूछा जाएगा कि ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश एनी इंग्लिश प्लेयर प्लेइंग इन अ लालीगा और अ स्पैनिश लीग सीम्स एस्थेटिक टू मी. मतलब लास्ट टाइम आई हर्ड समथिंग लाइक दिस वाज लाइक बेकहम, बेकहम बेकहम टू रियल. मैड्रिड भाई, अरे काफी खेल चुके हैं, स्टीव मैकमैनेमन खेल चुका है, जो लिवरपूल का बंदा था वो मैड्रिड खेल मैंने मैंने चुका भी है, कहा, मतलब और अगर यू कैन काउंट बेल टू, बेल भी ठीक है, बेल सही तो है. कहाँ हाँ, बिल तो हो फिर से आ रहा है मूड आ गया, ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ भाई आई थिंक गए. मोरिनियो भाई पता नहीं यार, क्योंकि इट्स द सेम ऑल ओवर अगेन भाई। शिखर पिछले साल शेफील्ड से 3-0 हारे थे जो भी थी, उसके बाद एक रिसर्जेंस आई, जो डॉक्यूमेंट्री से कुछ कवर्ड अच्छी तरह हम देख चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री प्यारी सी जो इस बारी अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रही, बट उस बारी हमने देखा कि कैसे स्पर्स रिसर्च सेम, कोई इम्प्रूवमेंट हुई है इन द स्क्वाड, लीव ने सब कुछ पकड़ा दिया, थमा दिया उसके हाथों में, हाउ डू यू इवन ब्लेम मोरिनियो इन फकअप्स के मतलब बाद। इम्प्रूवमेंट तो क्या ही, इम्प्रूवमेंट तो क्या ही है. आई स्टिल थिंक कि मतलब इस सीजन तो प्लेयर्स लाइक हॉयबर्ग, सॉन एंड केन और आर भाई बेसिकली कैरिंग द स्क्वाड ऑब्वियसली, बिकॉज लास्ट सीजन से अगर तू इम्प्रूवमेंट की बात करे तो दे बॉट बर्गवाइन, दे बॉट यू नो हु, ऑरियर का कौन था वो, डोहर्टी, दे बॉट डोहर्टी हाँ एज वेल, दे बॉट रोडॉन, और कौन आया है, और कार्लोस विनीशियस हु बेरली प्लेस. पता है यार सीन क्या है, सीन ये कि वी कैन, और इट वाज विजिबल कि वो ओवर परफॉर्म करते अपने आप को इनिशियली गंदी तरह, जो सन गोल मारा हाँ, कहीं से भी केन, वो अच्छे से कनेक्शन बन रहे हैं अपने एक्सजी को बेसिकली वो, बट एटलेटिको एटलेटिको पुल ऑफ कर रहे थे वहां पे. यू ऑल्सो कांट, यू कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम मोरिनियो, यू कांट से कि उसका कुछ हाथ ही नहीं है इसमें, कि वो फ्रंट नहीं टू नहीं काम कर बिल्कुल रहा है, नहीं, बट बिल्कुल नहीं. ऑल्सो ये काफी बहुत ही छूतिया डिस्कशन भी है, काफी अजीब डिस्कशन है, क्यों, क्योंकि एक मैनेजर तो काम करेगा भी, मेहनत करेगा, उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी प्रॉपर डिफेंसिव थर्ड तक, एंड फिर वो हाँ, मतलब फ्रंट जस्ट टू बिकॉज को, मुरीनियो उसको ऐसे 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 ढील दे नहीं सकते उसको, हाँ, जस्ट और अब बिकॉज वो काम नहीं मुरीनियो. कर रहा है, और अगेन काफी लोग बोलते हैं फिल्म के अगेंस्ट भी डिफेंड करते हो हर जगह, काफी नेगेटिव होते हो सॉर्ट ऑफ, सिर्फ काउंटर एक प्रेसिव होते डिफेंड तो थर्ड करता तक। है यार बहुत, मतलब एक ये टर्म मैंने ऑनलाइन पढ़ी है, बट हराम बॉल, टेररिस्ट बॉल कहते हैं उसी गेम को, एंड विच इज हाँ भाई राइटली सो. भाई, तो कल्चरल जोक्स मारे बहन चो, रीजनल जोक्स जो भी कहते हैं, ये क्या भाई, तो पॉडकास्ट बैन कराएगा बहन के लोड़े, ये क्या बकचोदी है, ये क्या भाई वो बैन यूट्यूब से बैन, बट हाँ भाई नहीं यार भाई, आई वोंट ब्लेम मोरिनियो, क्योंकि मैं एक मोरिनियो हिस्सा हूँ सॉर्ट ऑफ, मतलब मुझे मोरिनियो पसंद है, नॉट बिकॉज ही मैनेज मैड्रिड, बट बिकॉज आई लाइक हिज जर्नी, आई थिंक ही इज बीन डन बाय बाय भाई, पता नहीं आई वैसा है लाइक हिज क्या, मेंटेलिटी बाय द वे, आई आई लाइक लाइक हिज मोरिनियोज मेंटेलिटी, मेंटेलिटी एंड ज्लातान, मतलब मैं काफी रिलेट कर पाता मैं हूँ सिर्फ मोरिनियो कुछ ज्लातान बोल लोगों हाँ, मैं वो कुछ बोलने लायक है नहीं मोरिनो के बारे में, क्योंकि उसने जो हरकतें करी भाई, ओले इज नॉट अ गुड भाई, क्यों बोला, और इतना चूतिया पॉइंट था भाई, लिटरली चूतिया पॉइंट था, कह चूतिया रहा था पॉइंट, कि मतलब ठीक है नहीं बहुत ही सुन, चूतिया तो तब. कह रहा था कि ओले के ओले सन के पापा ओले से अच्छे हैं, ऐसे कुछ सीन, यू नीड टू फीड योर सन, अब क्या क्या पॉइंट, कौन से सन अबे को फीड पॉइंट तो देख करें, शिट था, पहली बात तो ब्लू गेम्स रिलेटेड पॉइंट नहीं था, दूसरी बात बंदा ऑब्वियसली हाँ मोरिनियो एज ऑलवेज बट हर्ट था, सो ऑब्वियसली इसका बनता था ये बोलना. बट जो कहना है इसका ओले का कि अगर मेरा बेटा सन सन की तरह, यार सन बेटा क्या है, मेरा बेटा अगर पढ़ा हुआ ऐसे मेरी बेटी ओलंपिक्स जब उसने पढ़ा खेलेगी हो तो मैं खाना नहीं दूंगा उसको. हमारी बेटी किसी से कम अबे है, मैं कह रहा हूँ हमारी बेटी,
मारी भाई, वो तो मूवी फाड़ती, बट वो मूवी बड़ी बता वो नहीं, मेरी लास्ट मूवी कौन सी थी हॉल में थी, लास्ट में थोड़ा आउट, लास्ट मूवी कौन सी थी हॉल में, हॉल में सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में। हॉल हॉल में अच्छा, कोविड आ गया था ना। अच्छा, मैंने छिछोरे देखी थी शायद, नहीं द नन, पता नहीं, छिछोरे देखी थी शायद, छिछोरे छिछोरे देखी भाई, थी। छिछोरे तो वैसे भाई, छिछोरे मूवी में जो सीन था आखिरी वाला जो सुसाइड रेट थी वही, ठीक है कोई बात नहीं, बट सॉरी सॉरी, बट मेरी लास्ट मूवी कौन सी थी, कौन सी थी वो कौन था देखो राजकुमार राव था जो, स्त्री, स्त्री स्त्री, वो अच्छा अच्छी थी भाई, हॉरर, वो हॉरर हॉरर कॉमेडी थोड़ी, वो बकचोदी उस जॉनर बट हॉरर। हॉरर, बट स्त्री से याद आया भाई, भाई यहाँ पर फादर की बात हो रही, स्त्री की बात नहीं हो रही अरे मुरीनियो द स्त्री, थ्री स्त्री टाइटल्स, थ्री टाइटल्स, स्त्री थ्री सिंकिंग, थ्री स्त्री चैंपियंस लीग, थ्री स्त्री और सिंकिंग, चैंपियंस लीग। ही सिंक्स, कि ऐसा हो रखा कि सन के, ओले के पापा ज्यादा, सॉरी सन के पापा ज्यादा अच्छे हैं, आई डोंट नो यार, आई थिंक ओले इज अ गुड फादर, राइट, ओले इज अ गुड आई फादर, मीन वी आई डोंट डोंट क्वेश्चन भाई वो बंदे भाई उसे, ओले यार फादर फिगर तो है, उस हिसाब से उसने डैन जेम्स को इम्प्रूव किया, ग्रीन वुड को हाँ, इम्प्रूव अबे किया, नहीं, ओले मैकटोमनी के ओले बगल में फादर हाथ फिगर है, रखा, एंड आयरॉनिकली ओले को बेबी फेस असैसिन कहते हैं, तो अरे सर अच्छा, ये तो अच्छा पॉइंट बोल दिया आपने, तो उसको और कुछ बोलने के हाँ लायक है नहीं, स्पर्स भाई मुझे पता नहीं क्या सीन है, आई थिंक केन शुड लीव, बोरिंग पॉइंट है, क्या बोले और उसमें आगे, मुझे पता नहीं यार, ही शुड इन लीव शुड भाई अब लीव, तो, एंड इन अगेन शुड लीव अगर एंड अगर एंड कम टू बारसा। हाउ डू यू मूड खराब कर दे सर, कोई नहीं, हाउ डू यू इम्प्रूव अगर तू एक स्पर्स फैन है, हाउ, क्योंकि तू बोल रहा है कि अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि अभी केन जाएगा वो, हर कोई जाना चाहिए, एंड यू ऑल्सो अग्री सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अगर यू ऑल्सो सेट द सेम, जब काफी लोग बोलते हैं कि मेसी को जाने दो क्योंकि वहां से चुदी पड़ी एक टाइम पे, याद है मतलब, अभी भी वो टाइम आ सकता है, ऐसी बात नहीं, तुम ज्यादा दूर है नहीं नहीं, जाता, दो तीन, ठीक है, अलग डिस्कशन, बट हाँ कूल, हाउ डू यू, ऑब्वियसली यू अग्री विद कि केन को जाना चाहिए, इतनी इतना चुट चुका है प्लान, पर तुम कैसे क्वेश्चन कर सकते हो लेवी को, उसने पैसे दे दिया, उसने सारा कंट्रीब्यूट कर दिया, ड्यू क्वेश्चन कि अब हम, हमारी गलती थी पोस्टेंटो को निकालना चाहिए था ही नहीं, अब मोरिनियो आ चुका है, क्या नहीं सी देर दिस टैक्टिक, क्राई तो करना ही नहीं है, अपने डिसीजंस पे कभी क्राई तो करना ही नहीं पता है, है, और इट्स ओनली ऑल पॉइंट द, सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ अगेन, इट्स ऑल द इट्स मैं ऑल तेरा टैक्स टैक्स काटना हाँ चालू करूंगा अगली बार से। हाँ भाई, इट्स ऑल, सॉरी भाई, इट्स ऑल द स्टेडियम वाली, जब से स्टेडियम बिल्ड कर तब से लौड़े लगे हो इनके, तब से अरे हाँ, भाई नहीं भाई, तब से तो टैक्स भाई का बहुत मैं लग गया भाई, तो कह टैक्स रहा हूँ एटी का बहुत वेम्बली लग से गया। थे इनके लिए, हाँ भाई रायता फैल गया इनका भाई, बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, एंड अगेन जब हमने बात की थी टाइटल डेज की, तूने गेम देखी, तूने गेम देखी लीड्स वर्सेस सिटी देखी तूने, बिल्कुल तुम नहीं, देख लीडर देख सिटी नहीं देखी भाई, नहीं देखी भाई, नहीं देखी। स्टुअर्ट डैलस, दो गोल, 10 मेन, बकचोदी, लियम कूपर जो भी था, लियम जो नाम, जो फाइव फाइव डायरेक्शन का, जो वन डायरेक्शन का नाम याद आ गया था, बट कोई बात नहीं, लियम कूपर सेंटर लियम बैक, कूपर सेंटर बैक भाई, आई एम नॉट इवन जोकिंग, रोटेशन करिए वो करता है हमेशा, एंड आई एग्री विद गॉडर, आई डोंट कंसिडर कि सिटी से डाउनफॉल में जाएगी, नहीं, बट इट डज गिव डोटमुंड एक हल्की सी होप, इट डज भाई, कि अगर स्टुअर्ट डैलस वो क्यों चीजें, अगर डैलस वहां पे घुस सकता तो वाई कांट जियोरेना, और नॉट जियोरेना बट थॉर्गन हैजार्ड और सांचो या फिर हालैंड, ऑब्वियसली दे कैन भाई, उनका बेलिंगम वाला गोल भाई क्या स्कैम था, देखा तूने बेंचो मीन, हाँ उनके फर्स्ट पास है लेग में, एक गोल, एक अवे गोल है उनके पास है। बट भाई मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस था जो भी कहते हैं, बीएलसी वर्सेस गार्डियोला सिस्टम पूरा सीन अपना, एंड बीएलसी विल वाज वेरी हम्बल टू से कि सिटी शुड हैव आल्सो वन, की 30 शॉट थे पता नहीं वो सब बकचोदी, आई थिंक इट बट वाज अ गेम अगर गार्डियल होता तो ही वुड हैव सेड कि 25 मिनट तो बढ़िया थे वो। भाई, इट इस गेम में मैंने लिटरली देखा कि क्या, कि यू नीड टू ब्रिंग अ स्ट्राइकर, जीसस, गैब्रियल जीसस लिटरली अगेन, तो एक होता है वो आई थिंक ही इज अ पर्सन जो एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर के साथ खेलने में ज्यादा बढ़िया लगता है रादर एक सिंगल इंडिविजुअल, एज अ लोन नंबर 9, पता नहीं कभी ट्रस्टवर्दी लगता नहीं मतलब ही क्या, मुझे एंड गैब्रियल। यू कांट पुट दैट स्टेटमेंट, क्योंकि इनके पास कितने ऑप्शंस हैं, बर्नार्डो सिल्वा बॉक्स में घुसता है, कोई घुसता है, ठीक है ऑब्वियसली फेरान टोरेस ऑब्वियसली, वो सब बकचोदी, इट जस्ट लुक्ड अ बिट ऑफ, बट आई वोंट ओवर जज इट, बट द वे भाई स्टुअर्ट डैलस, एंड अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फेदे वालवर्दे, जो पोजिशनल वर्सेटैलिटी कैसे फुटबॉल में, मॉडर्न फुटबॉल में इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी भाई, कहाँ मिडफील्डर खेला था नंबर 6 नंबर 8, फिर वहां भाई नहीं भाई, बदतमीजी भाई बदतमीजी, वैल्यू क्या कहते हैं, वायलेशन कर दी भैंसू सिटी की डिफेंस, बिल्कुल आके नेथन आके वाज बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये काफी बकचोदी थी, काफी रोटेशन थी, वर्क थी, आई थॉट नहीं इतना कि वो खिला नहीं देते ये लोग। नहीं वो ही जिंदा, वो वापस आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंटली पीएसजी, और कुछ बोलने को है मैं, क्या था और कौन सी गेम थी, इंटर मिलान टॉप पे, ठीक है नोबडी, यूवेंटस 3-1, नहीं चेसा ऑब्वियसली आई 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 टोटली गिव अ शिट भाई, यूवेंटस आई फाइनली डू बॉट भाई, मतलब निकाल गए भाई लीग, मतलब काफी काफी मुश्किल है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा है सीरिया विदाउट यूवेंटस विनिंग इट।
मैं भी, बट एक काफी चीज दस पहले की साल जब बाद साथ के साथ ही पोजीशन पे चेल्सी को लिया, फिर कंटिन्यू खा ली प्रीमियर लीग अगले साल, उसी साल अगले साल यूवेंटस ये चीज तो मैं भी एग्री करूंगा, तू भी को करेगा। लिया था। कॉन्टे माइट बी अ हेल ऑफ अ फेलियर इन चैंपियंस लीग, बट ही नोस हाउ टू विन लीग्स। ही एंड द रीजन इज कि काफी ब्लेटेंट आता कि ही इज नॉट अ नॉकआउट मैनेजर, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही हैज बीन अ बिट अनलकी चैंपियंस लीग में, ही हैज बीन। मुझे याद आ गया वो जो जो रेड कार्ड था सेंसी को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो सीन, वो बकचोदी जो इंपॉर्टेंट गेम्स में, बट लीग भाई लीग कैंपेन में व्हेन यू टॉक अबाउट स्क्वाड डेप्थ, खर्चा करा गया है भाई, खर्चा करा गया है। सांचेस खेला था इस गेम में, अलेक्सिस सांचेस करा तो अगेंस्ट है यार, कागलियारी, कागलियारी सांचेस खेला था भाई, क्या बकचोदी है। अगर तुम करा तो है, याद खर्चा है, करा याद है तो सांचेस जब आया था पियानो बजा रहा था यूनाइटेड में आके नहीं, पियानो वाले वाले टाइम खुश भाई, खुश थे, बहुत खुश। राइटली अरे भाई वो सो। सांचो पीक पे था भाई उस टाइम पे। आर्सेनल सांचो नहीं सांचेस सांचो बहन, हाँ यूनाइटेड बोल दिया भाई, यूनाइटेड में भाई, सांचो बोल दिया यार, शिट। बट जो बट भाई भाई स्क्वाड जब देख रहे हैं इस गेम में कौन सा था, एशली यंग वाज देयर, सेंसीज बैक, गगलियर भाई खतर भाई, स्क्वाड तो खतर है भाई, दारमियान गोल मार रहा है, क्या हो रहा है भाई, इंटर दारमियान गोल मिलान मारा लेफ्ट लेफ्ट विंग बैक से। बट ज्लैटन इज क्या कहते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा रहा है, व्हिच इज नाइस। ही इज 40 कितना, 39, पागल बनती हो रही है भाई। 40, ज्लैटन he's turning 40 this year. ज्लैटन इज ऑल्सो अच्छा, प्लेइंग, ज्लातान इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर एनीमोर, बट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ही इज नॉट अ वर्ल्ड, हाँ उसकी प्रेजेंस काफी है, उसकी प्रेजेंस काफी है, बहुत उस बहुत काफी है। मेंटली उस बकचोदी काफी है, बट राफेल मे लियाओ बी जैसे बंदे को इंप्रूव मानसुकिच करेंगे तो बहुत नीडेड है इस सीजन, अगले सीजन और इस सीजन। भाई, राफेल लियाओ जैसे बंदे को इंप्रूव करते नहीं, वो भैंसो वो कितना हकता रहता है, बट अंडर 21 स्क्वाड में तो है पोर्चुगल के। मोस्ट इंपोर्टेंटली दूसरी बात, यूवेंटस कैसा सेलिब्रेट कर रहा है अगेन भाई, सिंपल है, इस साल कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, कैसा उखाड़ लिया भाई, वो नेक्स्ट लेवल है भाई भाई, वो भाई वो साइनिंग ऑफ द भाई यूवेंटस की लिटरी बहुत इंपोर्टेंट। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब अपना वी हैड अ पॉडकास्ट रिगार्डिंग जब खत्म हुआ था ट्रांसफर विंडो, एंड आई टोल्ड यू द मोस्ट अंडररेटेड बाय ऑफ द ट्रांसफर विंडो वाज केएसआर टू यूवेंटस। बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली, आई थॉट कुलुसेवस्की वाज वन ऑफ देम, क्योंकि कुलुसेवस्की भी कब, बट ही अच्छे अच्छा था उस कालियारी गेम में, बट ही इज बीन बट इन एंड आउट आल्सो, वो विंग बैक कहीं ना खेल खेल रहा था काफी, डिफरेंट सिस्टम जो पार्मा में You can था, give him benefit of doubt regarding the age, obviously. He was हाँ not राइट bad. He's not bad. आई थिंक उस पर काफी, हाँ नहीं ऑब्वियसली नहीं, पहले सीजन के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं, खेल बट रहा हो। काफी प्रेशर था, हाँ एंड पिरलो का सीजन भी था तो ये एक्सपेक्टेड यंग टट्टो से थोड़ा, क्योंकि केएसआर कैन यस, बिलीविंग बैक, क्योंकि ही इज वेरी एनर्जी वाला, कुलुसेवस्की मे बी इज नॉट द सेम, बट हाँ काफी केएसआर सेलिब्रेशन वांट्स हो टू रहा रन रन अहेड, एंड यू नो भाई, वो एक प्लान को ओन कर कर देता है दे बंदा। दिवाला, दिवाला मास कर दे भाई, दिवाला मास कर दे भाई, दिवाला इज बैक, दिवाला इज बैक, एंड आई एम सो हैप्पी भाई, दिवाला लिटरली इज वन ऑफ द लिटरली, व्हेन यू टॉक अबाउट उस जोन 14 में, जोन 14 वाले बंदे जो टेक्निकल टच, इज वन ऑफ द बेस्ट। आई रिमेंबर दैट बार्सा वाली गेम व्हेन दिवाला दिवाला की मास्टर क्लास शॉट ऑफ थी बकचोदी वाली, बट दिवाला अगेन भाई, याद है दिवाला एक टाइम पे स्पर्स में जाने वाला था मेरे को अच्छी तरह याद है, भाई, दिबाला को एक टाइम से दिबाला को मैं लिटरली वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स में कंसीडर करता था। हाँ आई यूज्ड टू प्लेस दिबाला, ग्रीज़मन एंड हाँ सेम हैज़ार्ड सेम सेम, एंड वो नेमार ऑन ऑलमोस्ट सेम लेवल। नेमार ऑब्वियसली एक लेवल ऊपर, बट ऑलमोस्ट सेम। हाँ इस हाँ, पता नहीं क्यों दोबारा खुश लगता है हमेशा, वो कभी लगता नहीं कि वो नहीं जाने वाला, हमेशा वो लगता है कि मैं रिन्यू कर लूंगा, ऐसा फील आती है उसको देख के, पता नहीं क्यों, पिछले पता है, साल वो दो साल से लिटरली तो ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली कि दिवाला हैज बेयरली प्लेड। यार ऑब्वियसली फैक्ट है, तो लग क्या रहा हूँ मिनट्स बोलते हैं, बहुत ही कम मिनट्स है मोस्ट बहुत इंपोर्टेंटली, बट बुरा लगता है मेरे को उसके लिए। अब तो भाई वापस आ चुका है, फुली इंजर्ड ना हो, सिर्फ उसका वही नहीं आता क्या कहते हैं अपना, कौन है अपना, थोड़ा देम्बेले कौन जो था जब, देम्बेले थोड़ा अब तो सही कर रहा है वैसे देम्बेले, बट थोड़ा वैसा एम्बेली सीन ने हैजार्ड वाला सीन लगता है हाजार्ड मेरे जो को। इस सीजन थोड़ा लग रहा है, हाँ इस सीजन वाला हाजार्ड, दो सीजन वाला हाजार्ड ठीक है भाई, रोके रहे हो ठीक है, बट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंटली आई थिंक, रो क्या और कुछ तो रहे बचा हो। नहीं ना, और क्या लालीगा में कर लिया वो सब, ठीक अच्छा भाई, कैसे कैसे नहीं बचा भाई, चेलसी का गेम बच रहा है भाई, भाई, हैवर्ट्स तो आ तो फॉल्स रहे हैं, लाइन आ तो रहे हैं चैंपियंस लीग प्रीव्यू में आ रहे सर अपना, आ जाओ तो गेम भाई, में है, आ जाओ गेम में है सर, बायन पीएसजी, बिल्कुल डानिलो अमोरिम, बिल्कुल। इदरीसा गे, पीएसजी डिफेंसिव, मैं मजाक नहीं कर रहा, कार्लो आंचेलोटी वाइब देती पोचेटिनो ने, वो मेसी, ओ सॉरी मेसी बोल रहा हूँ, चोत अपना बिल्कुल रोनाल्डो, बेंजिमा, बेल, कहीं ना कहीं डीमारिया, एम्बाप्पे, नेमार, बहुत ही चूते पॉइंट, वो काउंटर था, वही हरकतें थी, वही कॉम्बिनेशन थे, वही कुछ शॉर्ट बिल्कुल ऑफ टाइम था बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल भाई भाई, एंड वही हरकतें हुई थी भाई, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने देखा था वो गेम, पर जो फर्स्ट गेम देखा था, फर्स्ट लेग जो था बायन का पीएसजी के अगेंस्ट, और भाई इतना फाड़ मैच, इतना फाड़ मैच, क्या और मैं सो पता है गया था यार
पूरे हो गए। मैच में, पूरे मैच में व्हाट आई सॉ वाज जो जर्मन मेंटालिटी है बायर्न में, मतलब दे कंसीडर्ड ट्वाइस विद इन हिटलर 30 30 ऑड मिनट्स, एंड लाइक वो सेम लिटरली सेम इंटेंसिटी चालू करते थे वापस फ्रॉम द हाँ, मिडिल ऑफ द गेम, पता है ऐसी मिडिल टीम मिडिल मुझे ऑफ द पसंद क्राउड. है, ऐसी टीम मुझे पसंद हाँ है क्यों? क्योंकि अगेन जो कौन सा गोल था, जो मार्किनियस वाला गोल था, जो नेमार ने बॉल निकाली थी, जो उसको बाद हाईलाइन एक्सप्लॉइट करी, बहुत ठीक है, बहुत बहुत ही, प्यारी बॉल, हाँ बहुत प्यारी बॉल, लेफ्ट फुट से वो भी, बहुत बहुत और बहुत प्यार. बायर्न नियरली डिड इट, उनकी बिल्कुल लाइन बिल्कुल इंटैक्ट थी सब कुछ, बट नियरली हल्का सा जो स्टंप पे कौन था, जूला था फिर जो भी उस लाइन में था, मुझे एक्सैक्टली याद नहीं आ रहा, पर यू वांट दैट फ्रॉम दिस, क्योंकि बायर्न हमेशा पॉजिटिव फुटबॉल खेलती है, दे ऑलवेज क्या कहते हैं प्रेशर डालती है हाई लाइन पे, उस बकचोदी पे, काउंटर प्रेस पे, बिल्कुल बट पीएसजी बिल्कुल. भाई यार, एम्बाप्पे भाई, नोयर को क्या हो गया भाई? तो यार आ भाई नोयर नोयरू क्या हो गया पीएसजी, भाई, हाँ नोयर भाई, इतने एरर्स कर रहा था. बट हाँ, बट मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर तूने ऑब्वियसली तूने वो मैच नहीं देखा, तू बोल चुका है, बट एक नहीं, पॉइंट था, मैंने बाद में नोयर देखा है, मैंने बाद में देखा है, पूरा मैच देखा मैंने बाद में, इसी बात नोयर पर, दो कंसीड कर चुका था ना, इट वाज लाइक दो, वो एकदम समझ ले अपने हाफ में मिड में आ गया था, एंड उसने बहुत ही हाँ प्यारी सी पास दी थी बॉटन को, बहुत प्यारी साइड पास. नोर ने, आई सॉ नोर डिड मेड सम इंपॉर्टेंट सेव्स टू, ही डिड टू थ्री एग्जैक्टली सेव्स एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट, एंड एग्जैक्टली. बट अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ही इज कंसीडेड थ्री. थोड़ा सा मार्किनोस इज आउट फॉर शेटी गेम सेकंड, था नॉयर का, मार्किनोस इज आउट फॉर द सेकंड लेग कहीं ना कहीं शायद से. ऑब्वियसली ऑब्वियसली. वेराती और कौन है अपना मिडफील्ड में, वेराती इस पर कहते हैं, परेदेस इज बैक, इज आउट परेदेस इज, नहीं फ्रॉम वेराती, फ्रॉम वेराती खेल रहा है, बायर्न वेराती साइड, सही है, बट बाइंड साइड में तो पता नहीं भाई आया जो कि नहीं आया. पड़े सब खत्म है भाई, जूले गोरेट्स का गया. जूले अच्छा कह रहे हैं कि स्क्वाड में तो ले लिया उसको वैसे बिल्कुल एंड में, तो अभी थोड़ा अनफिट, ओके. बिल्कुल वर्स पे था, तो शायद से खेल लेगा. बोटिंग इज बैक समहाउ कहीं ना कहीं, जूले इज ऑल्सो आई थिंक इन द स्क्वाड, फिर नहीं मैं एग्जाम नॉट कम्प्लीटली श्योर, वो शायद बाहर हो चुका है इंजर्ड, काफी लोग कह रहे True. जो नहीं तंगी, जो नियांजवा जो बंदा उनका फ्रेंच बंदा, उसको खिला लेंगे हाँ बैक विंग, वो तांगे क्वासी क्वासी था वो, क्वासी जो क्वासी. पीएसजी से खरीदा था, जो बकचोदी पता भाई, जो की पिछली गेम थी यूनियन बर्लिन वाली बायर्न की, तूने बंदा देखे कितनी रोटेशन करी गंदी वाली, उनका नहीं, नंबर, वन वन ड्रॉ हुआ इतना पता था मेरे को. अरे सर उनके जो रोटेशन करी गंदी गंदी, 20 20 साल के, 19 साल के जर्मन बुला लिया उन्होंने, तो कती कहाँ कहाँ भाई से साहब उन्होंने भाई, यानी कि बायर्न की हरकतें करी. करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी. वी नेवर एक्सपेक्ट बायर्न जैसे क्लब को उनकी अकेडमी से बंदे निकलना इतने इतने कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी अकेडमी कहीं ना कहीं बुंडेसलीगा ही है ना मैच. कौन है अभी, मतलब अभी अभी तो कौन है यार उनकी अकेडमी का जोशुआ, बंदा, जोशुआ वो की है. मैच इज देयर, बट वो भी स्टुटगार्ट के केमिक लिए इज गए नॉट फ्रॉम बायर्न्स हैं. अकेडमी, ही वाज नहीं फ्रॉम लाइपजिग. नहीं अब नहीं, लाइव स्टुटगार्ट से था ना, स्टुटगार्ट से वो हाँ, ही गनाब्री वाज और की बॉट वजह के फ्रॉम साथ है. लाइपजिग. ही वो है सही में, क्या बात कर रहा है, हाँ, सही ही वाज में बॉट फ्रॉम लाइपजिग भाई. यप, हैं शुद, कब कितने साल की उम्र में, 18 होने, क्योंकि ग्वालियर से काफी यंग लीडर था 2000 नहीं 2015 में आया था, 20 19 19 20 19 20 के आसपास. हैं शुद भाई. बायन कहां से उठाई थी भाई, और हर भाई बंदा उठा रखा बायन ने भाई, क्या हरकत है इनका भाई कौन है. है अकेडमी का, तो मुजियाला खेल रहा है बस हाँ अभी, जमाल मुजियाला, मुजियाला. जमाल मुजियाला सर, वो भी कह रहे हैं काफी लोग शॉट कर कि वो ही माइट प्ले, क्योंकि मिलर इज बैक, बट अभी भी लेवनडोव्स्की शालके की बैक है, नहीं अकेडमी से है लौंडे उठाते हैं ये लोग, शालके की भाई, अकेडमी से लौंडे उठाते हैं. अपना हर नॉयर जगह है ना, भाई शालके की अकेडमी का है. बंद. अरे जब बुंडेसलीगा से याद है, आदि हुतर, जो आदि बोल रहा, आदि सर कर अपना अपना फ्रैंकफुर्ट का मैनेजर, उस ही ज्वाइन बोरुसिया मोंचेंग्लैडबैक रिप्लेसिंग मार्को रोस, काफी लोग ऐसे कह रहे हैं, एंड गुल 2 साल की डील ऐसे हो चुकी है सब बकचोदी, विच इज आदि हुतर कितना टू ऐसा फ्रैंकफुर्ट, टीयर टीयर लिस्ट वाली चीज है ना, साफ दिख रहा है ट्री कितना भाई ज्यादा ऐसे ट्री, बड़े 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 क्लब्स का हाँ इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है. बायन भाई बायन ने उसका ले लिया, मतलब डॉर्टमंड ने हाँ, ग्लैडबक ले लिया, ग्लैडबक ने फ्रैंकफर्ट का ले लिया. बट यू नो व्हाट, आई वुड प्रेफर इट दैट वे, क्योंकि तुम्हारे बंद माइंड्स तो लीग में रह रहे हैं ना, लीग तो वहीं पे, जो फुटबॉल ब्रेन्स है मैनेजर्स के वो माइंड्स लीग में वाली रह रहे बात हैं. नहीं, बट इट्स लाइक एक्सप्लॉइटिंग योर सबॉर्डिनेट्स, सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट्स, एंड लीग इज सपोज टू बी एन इक्वल एंटिटी. नहीं आई थिंक उनका फैन बेस वाला सिस्टम काफी इक्विलिब्रियम ले आता है कहीं ना कहीं, जो उनका 550 जो 30+1 जो भी रूल है, 50+1 वो काफी इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ ले आता है, वो अलग बकचोदी है भाई. फ्रैंकफुर्ट हमेशा अच्छा खेल, फ्रैंकफुर्ट का कौन पहले मैनेजर था, क्लॉप, तुखेल, अब आदि हुतर, दे ऑलवेज ऑलवेज गॉट सम, हमेशा बढ़िया बढ़िया मैनेजर हमेशा गुड हर टाइम. माइंड्स, गुड अब माइंड्स. नहीं पहनचूद, आदि हुतर वो तो थोड़ा अब, अरे माइंड्स था, वो तो माइंड्स था हाँ बे, माइंस माइंड्स है तो, हाँ माइंस है, सॉरी सॉरी माइंस है, है सॉरी ब्रो. हाँ माइंस, हाँ, फ्रैंकफुर्ट का आदि हुतर है, सॉरी तो माइंस में कौन है, बो स्वेंसन है, सॉरी बो स्वेंसन, उसकी बो टीम काफी स्वेंसन बढ़िया कर रही है. वाज अ माइंड्स माइंड्स प्लेयर 2 or 3 years आई एम नॉट बैक. कम्प्लीटली श्योर, 2 or 3 प्लेयर्स, वो प्ले मैनेजर है क्या पता नहीं, दो तीन दो या अबे, तीन साल पहले तो बो स्वेंसन यूज्ड टू प्ले क्या बात कर रहा फॉर है, ये तो मैंने लीग. सुना ही नहीं कभी, हाँ, आई एम कुछ नॉट चक्कर है श्योर, इसमें. पता नहीं.
भाई दो क्या तीन साल बकचोदी वाली वाली चीज अलग हो सकती है मेरी, बट आई गेस बो स्वेंसन वाज सिंह, उसको तो बाल भी नहीं है भैंचो शायद से नहीं क्या नहीं यार यंग बंदा है वे। बात कर रहा हाँ भाई, देख ले, देख दूसरा ले, मैच बो बना रहा स्वेंसन, बो स्वेंसन रिटायर्ड इन 2014 फ्रॉम माइंस। है तो 2 से 6 साल का फर्क है ना सर, 6 7 साल का। अच्छा उसके बाद छह साल है तुम तो कहीं खेला होगा, मुझे पता नहीं, बट भाई कहाँ से इनके ट्री अब बड़े हो यार। ही इज 41 राइट नाउ। हाँ यंग है मतलब, यंग नहीं है वैसे तो भैंचू। अच्छा बुफान था क्या, गोलकीपर था क्या वो स्वेंसन, क्या था ये, कौन सी पोजीशन में खेलता था, नहीं, सेंटर बैक है, सेंटर बैक। सेंटर बुफॉन, बैक बुफॉन से छोटा है वैंस वो। हाँ बुफॉन में शर्म नहीं भाई, वो जब तक चैंपियनशिप जीते का नहीं जाने का, वो नहीं वो जाने का बुफॉन भाई। बेच रहा है। लेट्स एक्सटेंड बुफॉन टू 2029। ओके सर ओके, बुफॉन आओ फॉर द भाई वर्ल्ड कप 2020, नहीं सर सर ठीक मेसी फॉर द वर्ल्ड कप। है बट पीएसजी बायन भाई नहीं भाई, पीएसजी जीत जाएगी मुझे फील आ रही है भाई, फील आ रही है नहीं जीत रही, डिस्पाइट नहीं जीत रही, पता नहीं यार, आ रही है भाई आ रही है, पता क्यों आ रही है भाई, मैं क्यों? कह रहा हूँ सेम आ रही है भाई, भाई मेसी, ओ सर मेसी क्यों भाई, बेंजिमा क्रिस्टियानो, तू मेसी के पीछे क्यों पड़ गया यार? मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं कह माफ रहा हूँ कर नाम दो निकल मुझे। रहा है, नहीं नहीं वो तो बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ बेंजिमा क्रिस्टियानो बेल भाई बारी है भाई, पिछली गेम में अगेंस्ट स्ट्रासबुर्ग अपना कौन है दानिलो अमोरिम, जिनका मिडफील्डर वो डिफेंस पे खेला, इतना वर्सेटाइल बंदा है एक तो पहली बात, और काला बहुत बंदा अच्छा है खेला था डैनिलो, डैनिलो अमोरिम वॉन मेरे ख्याल से 90 90 मोर देन 90% ऑफ हेडर्स इनसाइड द बॉल, मोर स्ट्रासबर्ग देन। लीग में, नहीं इसमें अगेंस्ट बायर्न टू, ऑब्वियसली भाई तभी तो खिलाया वो उसको। लिटरली, एक हेडर मिस कर गया था एंड मुलर स्कोर्ड ऑन दैट। मतलब आई वाज, आई एम प्राउड दैट आई वॉच दैट हाँ गेम भाई। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गेम था हाँ वो। इवन आई डिड आल्सो सर, मैंने बट लाइव नहीं देखी, बट लाइव की अलग हाइप होती है वैसे, वो तो है सीन है डजंट मैटर दैट मच, कोई वो नहीं। लाइव की अलग, वैसे लाइव की अलग भाई, लाइव तो मैंने जो देखी थी बेस्ट गेम अपना ये ऑब्वियसली बात तो है। पोर्टो, पोर्टो यूवी वाली, तो भाई लाइव तो स्टेडियम में चला गया था, बाहर घर के बाहर चला गया था मैं तो एक्स्ट्रा एंड टाइम पे, भाई एक नई वापस अंदर से वो आ गया भाई, वापस एक नई रिस्पेक्ट आ गई मुलर के लिए यार। व्हाई इजंट ही प्लेइंग इन द जर्मन नेशनल टीम इज लिटरली आई कांट गेट इट इन माय माइंड। हम वो तो मानेंगे नहीं, शाहरुख खान सर तो मानेंगे नहीं, वो तो अड़ चुके हैं शाहरुख लिटरली, खान, शाहरुख खान सर वो अड चुके हैं, उनको वो नहीं उनको मानेंगे, उनको अपने उनको अपने आंडों से ज्यादा प्यार है उनको अपने आंडो अपने सुन, नेशनल टीम। आंडो सुंगाल उनका भाई कैसी हरकत है भाई, कैसी भाई कैसे सर हरकत, इतना तो शाहरुख खान नहीं करता डर्टी डर्टी वर्क ऐसे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायन पीएसजी, आई थिंक अभी स्क्वाड काफी इंप्रूव कर रहा है बायन का इंजरी रिगार्डिंग, बट अगेन यू टॉक अबाउट द अग्रेशन, गोरेट्स का माइट नॉट बी देयर, माइट बी देयर ठीक है, लूकस हर्नांडेज इज वापस बैक, बट वेन यू वो टॉक है अबाउट द पॉजिटिव चीजें, वो किमिश का भाई, किमिश कितना भाई छोड़ो किमिच, यार, फार्ड प्लेयर है भाई किमिच। किमिच इज द इंजन भाई, ही इज द इंजन ऑफ बायर्न म्यूनिख। किमिश की एक मैंने फोटो देखी थी अगेन विद एक क्लिप थी, ग्वार्डियोला और किमिश बिल्कुल फेस टू फेस नाक के साथ, ग्वार्डियोला से मुंह में घुस रहा था ऐसे कि हाँ ऐसे कुछ, और किमिश ऐसे ना प्लेयर को ऐसे होता कि हाँ क्या बोल रहा हूँ, किमिश तो हाँ हाँ भाई, किमिश बिल्कुल पागल है भाई, वो किमिश भी उस एनर्जी में लिव अप करता है शॉट, उसको वो चाहिए बंदे, अच्छा ग्वार्डियोला लगता है से भाई, मैंने देखा, मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि वो जो जर्मन मेंटालिटी है ना वो दिखती है यार उस बंदे में, उस पूरी वो टीम जर्मन में दिखती मेंटालिटी है। क्या होती है, हिटलर सॉरी सॉरी नहीं, हिटलर नहीं, जर्मन भाई मेंटालिटी मतलब नेवर क्विटिंग एंड स्टेइंग बाय, और जो फैक्ट है जिस पर बिलीव करते हैं उसके, अढ़र क्या बोलते हैं, इज दैट अटल रियली जर्मन अटल रहना। मेंटालिटी, आई डोंट थिंक सो, आई ये थिंक इट्स, आई थिंक इट्स इटालियन डिसिप्लिन, मेंटालिटी, इटालियन मेंटालिटी इज कीन, उनके डिसिप्लिन नेशनल ब्रो, एंथम में गाना डिसिप्लिन। बजाते इटालियन, हाँ ऑब्वियसली जर्मन में तो डिसिप्लिन तो होता है भाई, पता नहीं क्यों होता है, उनकी टेक्नोलॉजी अनस्टैंड बड़ी हार्ड होती डिसिप्लिन। है। अरे सर बिल्कुल मैं तेको एक इंस्टेंस बताता हूँ उस मैच का। एक इंस्टेंस ऐसा था कि कॉलिन डागबा जो था, ही वाज द वन हु वाज मार्किंग किमिच ऑन 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 लेफ्ट विंग, एंड किमिच वाज कॉर्नर अबाउट में, टू, कॉर्नर हाँ में कॉर्नर उसे, में, एक हाँ कॉर्नर में एंड नहीं कॉर्नर नहीं कॉर्नर के बाद जो एक किक होता है, मतलब हाँ वही आसपास उस जगह पे, एंड ठीक है ट्रांजिशन अबाउट टू फेज टेक में, अ अबाउट टू टेक अ क्रॉस क्रॉस लेने वाला था, एंड कॉलिन डागबा के लग गई यहाँ पे, लिटरली बहुत तेज क्रॉस था, विप विप करा था उसने अंदर, एंड वो पड़ गया वहां पे, निकल बंदा रो रहा है कि मिसने फक्स नहीं दिया, बॉल लिया कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया। ओ उसे फर्क पड़ता नहीं हाँ भाई भाई, वो, और सही है बल्कि यही होना चाहिए भाई, किसको हाँ उठाओगे मुलर भाई, आके, उठा रहा है भाई डाकबा की, सॉरी भाई उठ जा काफी भाई कूल है, मैं तो कह रहा हूँ बात। किमिश मुलर को भी डांट देगा ऐसा है किमिश हाँ भाई भाई डांट सकता है वो भाई, मेरे को लगता है। और मैं भाई द ओनली, मतलब यार, वैसे तो तुमको पता किमिश ही कि मैं कभी छोड़ दे बायन चाहिए यार, क्या तेरे को, कभी नहीं किमिच चाहिए क्या भाई बाय अपने रियाल में? सोच भाई, गांड मार लेंगे भाई, मजाक वैसे पड़े हैं भाई बंदे, इतना इतना लालची नहीं हूँ मैं वैसे, बट बहुत बंदे पड़े हैं, बट हाँ स्टिल भाई नहीं तुम तो कामाविंगा उठा के ले जाओ भाई। कामाविंगा भाई, उसका उसका तो एजेंट जॉनसन बार्नेट है सर, ये क्या हो रहा कौन है यार ये? भाई पता कौन नहीं है भाई, बार्नेट भाई सर सब उठा रहे थे, बार्नेट सर उनका, बेल का, उनकी मार्केट काफी फिर ऐसे थी,
बेल का है क्या? उसका हाँ वो बेल वाला ही तो है, बार्नेट, जोनाथन बार्नेट बेल वाला है सर, जो मर्डर से पंगे करते रहते सर। बट बेल तो आएगा अगले साल। पोर्टो चेल्सी 2-0, पहले लग में सर्खियो ओलिवेरा नहीं था भाई, ये तो मानना पड़ेगा, सर्खियो ओलिवेरा नहीं था पहले लग में, जो मेन पोर्चुगीज क्या हिस्ट्री का कैप्टन, बेस्ट ऑल ओवर बैंक जुवेंटस वाली गेम में काफी, वो था मार्को ग्रुजिच था लिवरपूल वाला मिडफील्ड में, थोड़ा शॉर्ट ऑफ मार्क बैक थ्री ग्रूज था था मार्को ग्रुजिच, एंड मेहदी तरीमी को रेड कार्ड था। फर्स्ट लेग में यार, इट वाज नॉट एन मतलब इवन तो नहीं, थोड़ा सा मतलब आई वुड से बोरिंग मैच था थोड़ा सा। चेल्सी चेल्सी स्क्वीज्ड आउट टू गोल्स जो कि बहुत अच्छा था। इवन तो चिलवेल का गोल देखा, चिलवेल का गोल वाज कंपैरेबल टू दैट यू ओ नो तेरी टॉरेस गोल, कतल क्या गोल था गोल भाई, था अब कहाँ घुस गया भाई, कैसे घुस गया काफी। समझ नहीं आया। पता है वो गेम देखने के बाद और जुवेंटस वाली गेम, क्योंकि पहले जो जुवे वाली गेम देखी मैंने, एंड देन आई सॉ कि पोर्टो तो अनबीटेबल है, तुम तो उसको बीट कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं इनको। बट व्हेन आई सॉ चेल्सी ऑब्वियसली इट टुक टाइम, बट इट लुक लाइक कि जब तुम्हारा, एंड आई आई कम बैक टू द क्रिस्टल पैलेस गेम अगेन 4-1 वाली बहन चोद, जो कल जो परसों हुई थी, उनके पास कितने ऑप्शन है भाई। आई थिंक इट वर्क्स, पुलिसिच, हावर्ट्स एंड माउंट, माउंट इट आई थिंक इट्स द वन, आई थिंक दिस इज द वन। एंड यू नो व्हाट इन केस अगर दे लूज समवन मे बी ड्यू टू इंजरी, खुदा ना खास्ता किसी भी पोजीशन पे, दे हैव एबल विंग बैक्स एज वेल टू प्ले एट दैट पोजीशन। इवन कैलम हडसन-ओडोई कैन प्ले एज अ विंगर यार, ओ भाई दे गॉट सो मच प्लेयर्स भाई, एंड यू नो आई ऑलवेज थिंक कि काफी तुखेल एक माउंट क्रॉस प्लेज एज ब्रीड अ है भाई। विंगर बहुत माउंट का गोल देखा बहन शो, वो टच, वो हार्ड। बॉडी को ओपन करना, इट वाज लिटरली क्लासिक गोल्स कहीं ना कहीं दोनों। There was a phrase known as bend it like Beckham. I would say कि इस पॉइंट पे जो उस टाइप से विप करता है crosses in his mount. हाँ ये लीडर है भाई, लीडर है भाई। लैम्पर्ड ने कुछ तो अच्छा काम करा वैसे, बुला लिया बहुत आराम से बहुत डर्बी बहुत काउंट ऑफ काफी लैम्पर्ड अच्छे काम किए भाई। I'm a भाई। लैम्प Lampard fan. ऑब्वियसली सर, अरे ऑब्वियसली लैम्पर्ड का मैं कह रहा हूँ, इनको इंटरव्यू आया था रिसेंटली काफी, वो नहीं था टिकटॉक वाली ट्यून लगाए थे पूरा, थोड़ी क्या कहते हैं इमोशनल वाली, जोकर वाली थोड़ी वो लगाई थी अरे यार लैम्प सारी 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 इम्पोर्टेंट वीडियो की माँ चोद देते हैं यार ये लोग। भाई यार भाई वो लगा दी, यार और लैम्पर्ड से बोल रहे कि तुम क्या ज्वाइन करोगे, कह रहे ऑफर आए थे, ऑफर आए थे क्या क्या भाई भाई लैम्पर्ड के। चलो उसको मिल जाएगी जॉब वैसे, अगर अगर वेस्ट हैम, चले खाली वेस्ट हैम को वो खेल चुका है लैम्पर्ड वहां से, अब अगर वेस्ट हैम, मुझे लगता है वेस्ट हैम लिस्ट में से कहीं जाएगा, अगर मोइस कभी, मोइस क्यों छोड़ेगा वैसे भैंचो, बट चलो क्यों छोड़ेगा कौन, और हाँ छोड़ेगा तो किसी ऑब्वियसली बड़ी बड़ी टीम में जाएगा ना। मतलब मुझे लगता हाँ। है कि आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि शेफील्ड जब रॉजर्स का यूनाइटेड, पागल है क्या, इतना छोटा सा नया का यार, बहुत छोटा है तो लिटरली मेरे ख्याल से। शेफील्ड यूनाइटेड अच्छा रिलेगेट हो रही ना लेकिन वो तो यार, हाँ वो तो रिलेगेट हो रही अरे हाँ वो तो नहीं, है, वहां तो नहीं जाएगा। पता नहीं आई थिंक कहाँ जाएगा रॉजर्स, रॉजर्स कहाँ जाएगा। आई थिंक ही वुड टेक द मेंटल फ्रॉम हॉडसन, रॉय हॉडसन। काफी ओल्ड हो गया, वो छोड़ देगा प्रोबेबली जल्दी पैलेस। पहले से एंड एंड कंसीडरिंग कंसीडरिंग कि गैरी केहिल भी वहां पे एज अ कैप्टन, आई कैन सी दैट हैपनिंग। वाई इज ही नॉट गोइंग टू सेल्टिक, वहां चले गए फिर स्कॉटलैंड में, वहां पे खेल मतलब ले, कर ले अपना लैम्पर्ड के साथ डुअल, जो उनका डुअल था प्लेइंग टाइम में भी। एनी टीम इन प्रीमियर लीग इज ग्रेटर देन मैनेजिंग अ लीग इन दैट स्कॉटिश नहीं लीग यार राइट। भाई रॉजर्स केम फ्रॉम देयर, ही लर्न्ड अ लॉट भाई। जेरार्ड वहां पे रेंजर्स की, भाई क्या बात कर रहा है, जेरार्ड की रेंजर्स सर, जेरार्ड तो वहां पे सीन जेरार्ड तो बन रहा भाई है आ रहा आपको, है, लिवरपूल आ रहा है भाई 1-2 सालों में आ रहा है कभी ना वो। कभी तो, कभी ना कभी तो आ जाएगा, बट क्लॉप बैठा है अभी यहाँ पे, क्लॉप वाली गेम की हम बाद बात करेंगे, परसों वाली गेम में चेल्सी पोर्टो सेकंड लेग, सर्क्यूलर ओलिवियर इज बैक, मेहदी रहीम शायद से अभी इन एंड आउट है, मुझे पता उसको इंजरी थी, क्या इशू था मैंने पढ़ा था। चेल्सी में कांते इज बैक है ना, वा चुका है कांते, कांते इज बैक, कांते कांते इज इज बैक, बैक। बट डू यू कंटिन्यू विद जॉर्जिनियो कोविच, इट वर्कड प्रोबेबली ऑब्वियसली दोनों गेम में प्रोबेबली प्रॉब्ली, क्यों मतलब भाई वो सब कांटे इजंट बैड, दे आर बोथ एट सेम लेवल, दोनों साथ दोनों एक जैसा खेलते हैं। कांटे कम्स ऑन नहीं। फॉर जॉर्जिनियो एंड ही प्लेज द सेम सेम थिंग, सो कोई भी स्टार्ट करे आई डोंट थिंक सो इट्स वो गोना सेम मेक कैसे खेलते दैट मच हैं, ऑफ अ कांते तो डिफरेंस। बिल्कुल ब्रूटल प्लेयर है, वो तो बिल्कुल सेकंड बॉल वाला प्लेयर है अरे कांते सेम भाई, मतलब समझ रहे, ऐसा लेवल ऐसा लेवल मतलब हाँ, क्यों नहीं। हाँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सॉर्ट ऑफ हाँ। एफिशिएंसी आई एम रियली हैप्पी कि जॉर्जिनियो ऐसा प्लेयर जो अच्छा प्लेयर है उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट। चेल्सी और मैं पोर्टो कॉन्फिडेंट हूँ यार, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस गेम को लेके फोर जर्सी पोर्टो, ऑब्वियसली बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज वी हैव अ 2-0 लीड बट ऑल्सो आई गेस वी आर बेटर डिफेंसिवली सिंस टुखेल हैज कम इन, सो ऑब्वियसली, एंड दैट्स द रीजन, क्योंकि विद विद द बॉल, पहली बात तो इतने बॉल रखते हैं, पहली बात पहला रीजन डिफेंड करने का, दूसरा डिफेंसिव फेस में तीन बंदे हमेशा होते हैं बोरिंग लाइन, बट दे प्ले वेरी, वो कभी ऐसे करते नहीं कि चीजें रिस्क कर देंगे, रिस्क करनी पड़ती है कुछ चीजें ऑब्वियसली, बट
काफी बैलेंस्ड प्लेयर रहता है कहीं ना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट अ मैनेजर लुक्स फॉर, अ बैलेंस्ड टीम. एंड हाँ टुखेल, ये बात तो है, व्हेनेवर यू सी योर टुकल्स टीम प्ले यू सी परफेक्शन। पता, हाँ, राइट. एंड आई थिंक जो वेस्ट ब्रॉम वाली गेम थी, 5-2 वाली बकचोदी थी, थियागो सिल्वा का हाँ रेड कार्ड ने चेंज किया था भाई. आई थिंक बहुत चेंज हुआ था, बहुत चेंज हुआ था मैं, यार। हाँ, मैं इतना क्रिटिकल नहीं हूँगा, सही मतलब बताऊँ तो भाई, फाइव गोल्स वर रियली, मतलब उसमें अगर 40% रोल ही होगा उस उसका रेड कार्ड का, बाकी 60% तो क्योंकि गांड फाड़ रहे यार। वेस्ट ब्रॉम ने अभी भी 3 गोल थ्री मारे आ यार, दिए. किसको मारे? हाँ, मैं हाँ भूल गया भाई. साउथहैम्पटन को, अरे हासन साउथ, हुटल, अरे हासन साउथ हुटल भाई, को, हसन तो हासन पिटने की हुटल जरूरत. जो हाँ जो नाइन भाई, नील, 9-0 लॉसेस के लिए फेमस है हासन हुटल, बट ही इज अ स्मार्ट तीन गाय एज वेल। तीन का तगड़ा कर दे तो पति. हाँ बटा मतलब बटा भाई यार, क्या कहते हैं वो तो अपना गया वैसे। भाई यार, भाई एलिडाइस की तो मौज हो गई उसकी तो, वो तो कहा भाई, खुश हो गया लिटरली. पर एलिडाइस भाई कितने साल का हो, 70 का होगा ना एलिडाइस भी? 69 का है क्या वो एलिडाइस? अंकल सैम अंकल एजेड तो हो सर गए, पर अंकल सैम को पता ही कैसे लोगों को रेलिगेशन बैटल से बचा, निकालना है। बच जाएगी इस बेस्ट ब्रॉम कहाँ पे अभी, मेरे भूल ख्याल गया से मैं. हाँ एटी थे, 17 पे ना नाइन शायद। नहीं नाइन नहीं नहीं पीछे बॉटम थ्री पे तो है ऑब्वियस डेकोरेशन. कहाँ पे वेस्ट ब्रॉम? हाँ और साउथ देखे तो हैम्पटन को 3-0 से आ रहा है भाई, उनका तो बेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली. एक तो गैलेगर, वो कत्ल, 21 साल का गैलेगर इंग्लिश बंदा कत्ल. और दूसरा और ऑब्वियसली रॉबिनसन, माथिस परेरा भाई, नहीं कैलम, रॉबिनसन तो कैलम ऑब्वियसली. रॉबिनसन भाई टाई कह सकता है, कैलम रॉबिनसन बहुत प्यारा खेल रहा है। जो अच्छा से है, 19th है, 19th है, हाँ एंड नाइन वही तो वो एग्जैक्ट अभी 19. 8 पॉइंट दूर है सेफ्टी से, तो कैलम पता नहीं। रॉबिनसन शेफील्ड से है ना, शेफील्ड से, पिछले साल शेफील्ड से. हाँ भाई, उसके मोस्ट ऑफ द गोल्स अगेंस्ट चेल्सी आए हैं, जो पता नहीं क्या क्या सीन है. बट हाँ भाई, व्हाट आर योर प्रेडिक्शन भाई? अब तो चेल्सी वर्सेस मैड्रिड, सॉरी वैसे मैड्रिड अभी पता नहीं, काफी ओपन गेम है लिवरपूल वाले भी कहीं ना कहीं. प्लीज, चेल्सी वर्सेस मैड्रिड होगा भाई, अब कुछ ओपन नहीं है। आई डोंट वांट टू सी इट, बट आई वुड बी, आई डोंट वांट टू सी इट कि सिटी नॉकआउट हो जाए. मैं चाहता हूँ सिटी आगे बढ़े, क्योंकि वो अच्छी टीम है, एंड आई वॉन्ट दैट टीम टू बी देयर. बट अगर डॉर्टमुंड हराती है, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? तो पॉसिबल तो है ऑब्वियसली, बट भाई पता नहीं नहीं यार, यार, भाई टफ है यार. बे, टफ है। आई डोंट मतलब यार, गार्डियोला हैज अ हिस्ट्री ऑफ फकिंग अप यार, तो मैं कुछ कह नहीं भाई सकता, हाँ सर, ये तो कुछ कह नहीं बकचोदी है ही. सकता। हाँ लेकिन भाई, लेकिन पता है, मोर देन हुएवर गोज फॉरवर्ड, मेरे को देख तो एक मेरे को हमेशा देखनी थी बायन और सिटी की एक मैच, अच्छी क्या सी क्या 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 चीज बायन और सिटी का मैच देखना था मेरे को हमेशा से। भाई? भाई बायन तो अच्छा. हाँ भाई, क्या पता पीएचवी से और डॉर्टमुंड चेल्सी, गया. मैड्रिड देखने को तो मिल जाए तो बात ही क्या है पीएचवी डॉर्टमुंड हारा एम्बाप्पे, भाई कम ऑन, नॉट बैड भाई। नॉट बैड, सेटल भी सेटल, गुड सेलर, गुड सेलर, गुड गुड सेलर, सेलर गुड सेलर. बट गुड मड्रिड सेलर, मड्रिड मड्रिड चेल्सी पता नहीं यार, वैसे पता नहीं यार, जो भी है ठीक है. आई मैड्रिड थिंक चेल्सी होना चाहिए भाई। हाँ भाई, दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट. काफी चीज डिस्कस करी हमने, एंड काफी टाइम बाद पॉडकास्ट हुआ. चूहे बहुत घूम रहे बहन, जो मच्छर काट रहे, पता नहीं क्या हो रहा, पंखा मैंने ऑफ कर रखा बहन, जो कोई बात नहीं. बट स्टिल, बहुत पीछे पीछे हावर्स की तारीफ, हावर्स की थोड़ी तारीफ तो कर दो सर, वो यार, कुछ पता मैं बढ़िया खुद दिख रहा हूँ वर्ड से, नहीं, कोई नहीं, हावर्स की बढ़िया तारीफ तो लग क्या, बहुत प्यारा आदमी भाई, रहा. भाई जो गोल, बहुत अगर प्यारा बोलता ना, आदमी। मजाक नहीं कर रहा भाई, जो चिप वाला भाई, गेम गेम वो खत्म था भाई. थोड़ा हजार्ड थोड़ा सा और, इतना सा और अगर उसमें पावर होती ना, वो अंदर जाता, लिटरली बहुत अच्छा गोल होता वो। बंदे, बंदे में क्लास तो है, कुछ तो है बंदे, कुछ तो बात है, पता नहीं क्या बात टच तो है. है, कुछ कुछ टच, एक वो मिदास टच तो है बंदे में। हाँ अच्छा, हमारे क्या वेस्ट हैम अपने यहाँ पे बुलबुल उठते हैं, यहाँ पे मेसी रोनाल्डो आएंगे अगले साल, और एम्बाप्पे अच्छा, आई एम अ लिंगार्ड फैन बाय द वे नाउ। ऑब्वियसली, जैरेड बोवन टू इंग्लिश नेशनल टीम, जस्ट जी हाँ, नारे लगाते हैं. मिकेल एंटोनी टू, ठीक है जो भी है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. हाँ जो भी, ठीक है, बाय.